This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है जंग। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है आपको कहां पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बताएंगे दोस्तों इस फिल्म ने रिलीज होने के बाद 1996 में कितनी कमाई किया था और ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े काफी रोमांटिक फैट को ही बतलाने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म आपको HD क्वालिटी में कहां पे देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बगैर किसी देरी के आज की मूवी रिव्यू को मैं स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जंग फिल्म के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म को 19 अप्रैल 1996 को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। दोस्तों फिल्म को रिलीज करने के बाद अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिला था क्योंकि दोस्तों फिल्म में बतलाई गई कहानी लोगों को पसंद आया था और फिल्म में जो एक्शन को दिखाया गया था 1996 के दशक में इस एक्शन को उस वक्त लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे और मिथुन और अजय देवगन को एक साथ देख के जितने फैंस थे वो इस मूवी को देखने के लिए सिनेमाघरों में गई थी। इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, अजय देवगन और उनमें वाणी विश्वानंद और रंभा फिल्म में अभिनय करती हुई दिखाई दी थी। इसी के साथ दोस्तों अन्य सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो सदाशिव, अमर पुरकर और तीनू आनंद और सुजीता मेहता फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के राइटर के बारे में हम बात करें तो टी रामाराव सर ने फिल्म को राइट किया था। दोस्तों इस फिल्म के राइटर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी भी टी रामाराव सर ने ही लिखे थे। दोस्तों इस फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो राजीव कुमार एवं आदित्य पंचोली सर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इसी के साथ साथ दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो सप्तारिश फिल्म के बैनर तक इस फिल्म को बनाया गया था और दोस्तों फिल्म को जी टेलीफिल्म के बैनर तक ये मूवी पूरी दुनिया भर में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको G5 पे देखने को मिल जाएगा लेकिन आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोस्तों इस फिल्म के अधिकार G5 के पास रखा गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवीज की कहानी के बारे में बात करेंगे। लाओ दोस्तों इस फिल्म को कहाँ पे शूट किया गया था, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कितने कमाई की थी और इस फिल्म में सबसे पहले कौन से स्टार कास्ट को पसंद किया गया था, उसके बाद कई सारे स्टार कास्ट को ठुकराने के बाद ये फिल्म अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती के पास गई थी। इसके अलावा दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में ACP अर्जुन सक्सेना के रूप में ये दिखाई दी है। आदित्य पंचोली के बारे में हम बात कर ले तो इंजन ड्राइवर यानी कि सूरज के रूप में फिल्म में अभिनय किए हैं और इनका एक नकारात्मक भूमिका भी रखा गया है जो बिल्ला के रूप में ये फिल्म में डुअल रोल में दिखाई दी है। अजय देवगन के बारे में हम बात कर ले तो ये अजय बहादुर सक्सेना के रूप में फिल्म में दिखाई दिए हैं। रंभा के बारे में हम बात करें तो मधु के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी है। दोस्तों इन सभी ने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग किया था और मूवी 1996 की हिट फिल्म रही थी। इसी के साथ दोस्तों बतला दे जंग फिल्म साल 1996 की रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली डबल रोल में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में अजय देवगन, रंभा और सदाशिव अमर पुरकर भी दिखाई दिए थे। दोस्तों फिल्म में सहायक रूप में तीनू आनंद और सुजाता मेहता ने अभिनय किया है। दोस्तों जंग फिल्म में मिथुन और अजय देवगन भाई की भूमिका निभाते हैं वहीं पे लेकिन परिस्थितियों के कारण नायक की रक्षा के लिए पुलिस अधिकारी मिथुन को अपने भाई के साथ तलवार चलानी पड़ती है। फिल्म का तीसरा कोण आदित्य पंचोली द्वारा चित्रित की गई है जो दोहरी भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक भूमिकाओं में ये फिल्म में दिखाई दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बतला दे जंग फिल्म के लिए सबसे पहले अर्जुन सक्सेना की भूमिका के लिए पहले संजय दत्त को ऑफर की गई थी लेकिन दोस्तों बतला दे उन्होंने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। फिर निर्माता ने अनिल कपूर से संपर्क किया लेकिन उन्होंने भी अपने किरदार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने मना कर दिया फिल्म में अभिनय करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अजय सक्सेना की भूमिका पहले चंकी पांडे को ऑफर की गई थी फिर अक्षय कुमार को लेकिन दोनों अभिनेता ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। अक्षय कुमार ने ये कहा कि एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका का फिल्म में कोई भी लेना देना नहीं है। तो निर्माताओं ने उस भूमिका को फिर निभाने के लिए अजय देवगन को कास्ट किया लेकिन अर्जुन सक्सेना की भूमिका अभी भी खाली थी।
कई बार मना करने के बाद फिल्म निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को मना लिया, लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्होंने खुद को वापस ले लिया फिल्म से। फिर उन्होंने सुनील शेट्टी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी व्यस्त के कारण इस परियोजना को छोड़ दिया और उनकी भी यानी कि कोई भी दिलचस्पी नहीं थी फिल्म में अभिनय करने की। इस रोल के लिए मेकर्स ने मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया। उन्होंने ये कहकर इस रोल को स्वीकार कर लिया कि वो इस तरह का किरदार हमेशा निभाने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में जितने भी संगीत रखे गए हैं नदीम सरवन द्वारा रचित किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। दीवाना दीवाना मुत्तु 1995 के थिलाना थिलाना पर आधारित है। दोस्तों आपको बता दें फिल्म में तीनों स्टार कास्ट को दिखाया गया था। इसमें रंभा फिल्म में अभिनय करते हुए बॉलीवुड की शुरुआत भी की है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों फिल्म में बताई गई कहानी आप लोगों को पता ही होगा। अगर आपने इस फिल्म की कहानी को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में आदित्य पंचोली को भागता हुआ दिखाया गया है। वो क्यों भाग रहे हैं इसका कारण मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती उनका पीछा करते हैं जो फिल्म में इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आए हैं। मिथुन चक्रवर्ती उन्हें एक ट्रेन के ऊपर पकड़ लेते हैं, उसके बाद वापस उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। आदित्य पंचोली लाख मना करते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं कुछ भी यानी कि इसके बारे में नहीं जानता। फिर भी मिथुन चक्रवर्ती उनका कोई भी बात नहीं सुनते, उन्हें जेल के अंदर डाल देते हैं और वो कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें बंद करना है। इसके बाद दोस्तों अगली कार्रवाई जो है अदालत में होती है, जहाँ पे आरोप लगाया गया है आदित्य पंचोली के ऊपर कि इन्होंने सोने की चोरी की है और अपने सारे दोस्तों को मार डाला है। दोस्तों ये एक संगीन जुर्म था जिसकी वजह से इनको फांसी की सजा दी जाती है फिल्म के अंदर। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं राम बेगुनाह होता है, जिसकी वजह से सीता को भी यानी कि उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को जेल के अंदर डाल दिया गया है और एक को फांसी दे दी गई है। इसी बीच दोस्तों राम की पत्नी गर्भवती होती है जो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद वो वहाँ से हॉस्पिटल से भाग जाती है और अजय देवगन यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के घर में नौकरानी के रूप में काम करने लगती है। जब उसे ये पता चलता है कि उसके बेटे को इंस्पेक्टर अपने घर उठा के ले गए तो उसे घर में जाके नौकरी करती है और चुपके से उसको दूध भी पिलाती है। ये सब कुछ करते हुए अजय देवगन एक दिन देख लेते हैं। देखने के बाद वो अजय देवगन की अपनी पूरी कहानी बतलाती है। इस कहानी पे अजय देवगन भरोसा कर लेते हैं और उसको वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे पति को जरूर बचाऊंगा। उसके बाद इन दोनों का रिश्ता भाई बहन का हो जाता है फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों ये दोनों भाई बहन मिलकर बहुत सारे ऐसे कारनामे करते हैं फिल्म में अपने पति को बचाने के लिए। अजय देवगन इस आग में कूद पड़ते हैं और चक्रधारी से लड़ते हैं। चक्रधारी को आपने इसमें देखा होगा जो सदाशिव इस किरदार को निभाए हैं। दोस्तों आदित्य पंचोली का डुअल किरदार है बिल्ला के रूप में। बिल्ला को पकड़ने की कई सारी साजिश रची जाती है। ऐसे में दोस्तों फांसी से कुछ दिन पहले ही बिल्ला को बदल दिया जाता है राम से। इसके बाद दोस्तों वहाँ पे राम से बिल्ला को बदलने के बाद बिल्ला पागल हो जाता है। वो बोलता है कि मैं रातों रात यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक फांसी से पहले चक्रधारी उसे हेलीकॉप्टर से बचा लेता है। इसके बाद दोस्तों फिल्म के अंत में बहुत ज्यादा एक्शन होते हैं। बहुत सारी एक्शन होने के बाद अजय देवगन आदित्य पंचोली और मिथुन चक्रवर्ती तीनों एक साथ होकर लड़ाई करते हैं और गुंडों के ऊपर हावी हो जाते हैं। और फिल्म के अंत में ये पता चल जाता है कि राम का डुअल रोल है जिसका नाम है बिल्ला, जिसने ये सारा कारनामा किया था, सोने को चुराया था और सारे निर्दोष लोगों को मार डाला था। उसके बाद दोस्तों अदालत इसको निर्दोष साबित कर देता है और ये लोग केस जीत लेते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। जी हां फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों ये फिल्म की कहानी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको ऐसी कहानी देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट यानी कि अजय देवगन के बारे में। दोस्तों अजय देवगन ने 1991 में जब अजय देवगन ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो उन्होंने अपना मंच नाम बदल लिया। जन्म के नाम बदल कर उन्होंने विशाल से अजय कर लिया। अब विशाल से अजय देवगन में बदल दिया क्योंकि विशाल नाम के कई अन्य अभिनेताओं को उसी समय लॉन्च किया गया था, जिसमें मनोज कुमार का बेटा भी शामिल थे। उन्होंने फूल और कांटे फिल्म से अपनी पेशेवर करियर की शुरुआत की और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने मधु के साथ अभिनय किया। फिल्म में अपने शुरुआती दृश्य में अजय देवगन ने दो मोटरसाइकिलों के बीच संतुलन बनाते हुए एक विभाजन किया था। उनकी अगली फिल्म जिगर मूवी रिलीज हुई थी 1992 में।
दोस्तों अजय देवगन की पहली फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी फूल और कांटे जिगर मूवी 1992 में रिलीज हुई थी, जो करिश्मा कपूर की सह कलाकार बॉलीवुड और मार्शल आर्ट वाली फिल्म थी। ये दिवाली हफ्ता पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पे 7 करोड़ से अधिक की कमाई किया। ये मूवी उस वक्त की वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। साल 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब फिल्म में अभिनय किया, जो एक प्रेम त्रिकोण और बदला जैसे रोमांटिक विषयों के बारे में ये फिल्म था। ये मूवी फिल्म थी जिन्होंने अगली बार दिव्या शक्ति फिर संग्राम में अभिनय किया था, जो संग्राम फिल्म में दो पिताओं के बीच दुश्मनी की कहानी को बतलाया गया। इसके बाद अजय देवगन ने दीपक बहरी के साथ काम किया, जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया था। वहीं पे दीपक पवार के साथ जिन्होंने प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया था उस वर्ष अन्य रिलीज शक्तिमान धनवान और बेदर्दी फिल्म थी। ये सारे फिल्में पिट गई थी बॉक्स ऑफिस पे। 1994 में अजय देवगन ने हैरी बवेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया था। उन्होंने वैदिक जो है यानी कि दुर्बलता वाली व्यक्तित्व की अरुण सक्सेना की भूमिका फिल्म में निभाई। फिल्म साल की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म थी। इसके बाद दोस्तों अजय देवगन ने अगली बार रिलीज कानून फिल्म में अभिनय किया। अक्षय कुमार के साथ कुक्कू कोहली की सुहाग फिल्म में फिर से काम किया और सुहाग मूवी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अक्षय कुमार के साथ कुक्कू कोहली के साथ इस फिल्म में अभिनय किया। फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी। अजय देवगन ने अजय शर्मा की भूमिका निभाई और वीपी मल्होत्रा की भूमिका निभाई थी। यहाँ पे सुहाग साल की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म विजय पथ फिल्म थी, जो विजय पथ के लिए विजय पथ की शूटिंग जो है तारिक करण अर्जुन के साथ टकराई, जिसे अजय देवगन ने मना कर दिया था। विजय साल की ये मूवी विजय पथ साल की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म साबित हुआ। इसी तरह दोस्तों साल 1995 में अजय देवगन महेश भट्ट की फिल्म नचायज और फिर जो है मिलन लुथरियाधारा निर्देशित की गई हलचल में दिखाई दिए। काजोल ने सह अभिनय किया था। इसके बाद अजय देवगन काजोल गुंडा राज में फिर से दिखाई दिए दोनों, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनकी अगली फिल्म रिलीज हुई हकीकत। हकीकत मूवी थी जिसमें तब्बू ने सह अभिनय किया था। ये फिल्म साल की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1996 में देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती रंभा और आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया, जिसके रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। उनकी अगली रिलीज मूवी जान नामक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जो ट्विंकल खन्ना के साथ। इसके बाद उन्होंने हैरी बवेजा की फिल्म दिल जल में अभिनय किया, जहां उन्होंने साका नामक एक आतंकवादी का किरदार फिल्म के अंदर निभाया था। इसी तरह दोस्तों अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्म इतिहास में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज मूवी इंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इस फिल्म थी, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और काजोल थे। इस साल की फिल्म में अजय देवगन ने अजय की भूमिका निभाई, जो एक अमीर लड़के को एक गरीब लड़की काजोल से प्यार करता है। फिल्म ने 30 करोड़ यानी कि यूएसए में कन्वर्ट कर 3.8 मिलियन की कमाई किया। ये फिल्म साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। 1998 में अजय देवगन ने महेश भट्ट के नाटक जखम फिल्म में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जो है प्रदर्शन किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। 1999 में हम दिल दे चुके सनम में अभिनय किए थे अजय देवगन ने। दोस्तों फिल्म के अंदर अजय देवगन नवराज की भूमिका निभाई, एक आदमी जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। इसके बाद अजय देवगन ने अमिताभ बच्चन और वहीं पे सोनाली बेंद्रे के साथ मेजर साहब फिल्म में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक सेना अधिकारी की भूमिका निभाई। फिल्म सफल रही और साल की दसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इसके बाद उन्होंने अनीस बजनी की दूसरी फिल्म रोमांटिक कॉमेडी प्यार तो होना ही था में काजोल के साथ अभिनय किया था। 1995 की अमेरिकी फिल्म फ्रेंच चाइनीजी की रिमेक मूवी थी, इसने 30 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जो 3.8 मिलियन की डॉलर में कमाई की। अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी महेश भट्ट की जखम फिल्म थी। दोस्तों फिल्म की कहानी प्लॉट दंगों के दौरान मुंबई में सांप्रदायिक तनाव की जांच करता है। देवगन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो धार्मिक संघर्ष से तंग आ चुका है। देवगन ने अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है।
1999 में अजय देवगन ने रोमांटिक ड्रामा हम दिल दे चुके सनम फिल्म में सलमान खान के साथ अभिनय किए थे। दोस्तों फिल्म में अजय देवगन ने ऐसी भूमिका निभाई थी जो अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को उसके प्रेमी सलमान खान के साथ पूर्ण मिलन में मदद करने की कोशिश करता है। हम दिल दे चुके सनम ने अजय देवगन के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। फिल्म मैत्री देवी की बंगाली उपन्यासना हान्या का रूपांतरण फिल्म था। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित की गई और सह अभिनीत की गई सलमान खान और ऐश्वर्या राय इसमें नजर आई थी। देवगन को उनके प्रदर्शन के लिए काफी सराहा गया। रेडिफ ने कहा, अजय की भूमिका आपको एक और फिल्म का याद दिलाता है जिसका नाम प्यार तो होना ही रखा गया था और वहाँ वह उस लड़की के प्रेमी की तलाश कर रहे होते हैं जिसे वह चुपके से प्यार करते हैं, लेकिन गहन तीर से उसकी ताकत है और वह यहाँ यानी कि अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वह विशेष रूप से उस दृश्य में अच्छा है जहाँ वह अपनी पत्नी की जिससे यानी कि चिढ़ जाते हैं और उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। फिल्म सफल रही और देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उसके बाद वह अमिताभ बच्चन और सोनाली बेंद्रे के साथ हिंदुस्तान की कसम में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने निर्देशक मिलन लुथरिया के साथ कच्चे धागे फिल्म में दिखाई दिए जिसमें सैफ अली खान और मनीषा कोइराला के साथ काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट रही थी। उसके बाद उन्होंने सफल फिल्म होगी प्यार की जीत में एक्शन रोमांटिक कॉमेडी और फिर जो है काजोल और निर्देशक जो है प्रकाश झा के साथ अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम दिल क्या कर रखा गया था। 1999 में उनकी अन्य फिल्में रिलीज हुई थी। गैर यानी कि तक्षक फिल्म थी जिसमें जो है उन्होंने एक मजबूत मुख्य व्यक्तित्व की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। इसके बाद दोस्तों अजय देवगन ने 2000 के दशक में दीवाने फिल्म में अभिनय किया था, यानी कि अजय देवगन ने हैरी बवेजा की दीवाने में अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उस वर्ष अजय देवगन ने अपने पहले होम प्रोडक्शन में अभिनय किया, काजोल के साथ राजू चाचा फिल्म में अभिनय किया था। 2001 में अजय देवगन ने एक और मामूली सफल फिल्म में अभिनय किया, ये रास्ते हैं प्यार के। ये माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के साथ काम किया। मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित और जेकी श्रॉफ और अनिल कपूर के साथ उनकी अगली रिलीज मूवी लज्जा फिल्म थी। उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था फिल्म के लिए। हालांकि फिल्म जनता के बीच लोकप्रियता नहीं थी। महेश मांजरेकर की तेरा मेरा साथ रहे फिल्म में इन्होंने फिर से अभिनय किया था। इसके बाद दोस्तों 2002 में अजय देवगन ने फिल्म कंपनी में मुंबई अंडरवर्ल्ड की राम गोपाल वर्मा की काल्पनिक जो है परीक्षा में प्रदर्शन किया। देवगन ने मलिक नाम की एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई। कंपनी और देवगन दोनों के प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। जैसा कि दनन आदर्श ने समीक्षा किया, देवगन अपनी भूमिका को पूर्णता के लिए निभाते हैं। एक नियंत्रित प्रदर्शन अभिनेता इस जटिल और चरित्र को लेते हैं जैसा जो है मछली पानी में ले जाता है। वह अपने हिस्से को सराहनीय सहजता से रेखांकित करते हैं। देवगन को फिल्म फेयर के नामांकित किया गया था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी दिया गया। अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी डेविड धवन की कॉमेडी हम किसी से कम नहीं में अभिनय किया जिसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और ऐश्वर्या राय थे। उस वर्ष उन्होंने राजकुमार संतोषी की बायोपिक द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में अभिनय किया था। इसी तरह उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा। तरुण आदर्श ने कहा, अजय देवगन ने अपनी भूमिका को जिया है और वो कहना है कि उत्कृष्ट अपने काम में। कल्पना होगा उनका प्रदर्शन जो पुरस्कार पाने के अलावा और वहीं पे सिनेमा प्रेमियों से प्रशंसा मिली थी अजय देवगन को। और ये फिल्म 7 जून 2002 को रिलीज हुई। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे जंग फिल्म को जिसे 1996 में रिलीज किया गया जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, आदित्य पंचोली डुअल रोल में नजर आए थे। दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलता है, ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों इन सभी चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। दोस्तों ये फिल्म आपको G5 पे देखने को मिलता है, लेकिन आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। जैसा कि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करें जंग फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, अजय देवगन और उनमें वाणी विश्वानंद और रंभा फिल्म में अभिनय करती हुई दिखाई दी थी। इसी के साथ दोस्तों अन्य सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो सदाशिव, अमर पुरकर और तीनू आनंद और सुजीता मेहता फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो टी रामाराव सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। दोस्तों इस फिल्म के राइटर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी भी
टी रामा राव सर ने ही लिखे थे। दोस्तों इस फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो राजीव कुमार एंड आदित्य पंचोली सर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इसी के साथ साथ दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो सप्तारिश फिल्म के बैनर तहत इस फिल्म को बनाया गया था और दोस्तों फिल्म को जी टेलीफिल्म के बैनर तहत ये मूवी पूरी दुनिया भर में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको G5 पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोस्तों इस फिल्म के अधिकार G5 के पास रखा गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवीज की कहानी के बारे में बात करेंगे। लाओ दोस्तों इस फिल्म को कहाँ पे शूट किया गया था, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई की थी और इस फिल्म में सबसे पहले कौन से स्टार कास्ट को पसंद किया गया था। उसके बाद कई सारे स्टार कास्ट को ठुकराने के बाद ये फिल्म अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती के पास गयी थी। इसके अलावा दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में एसीपी अर्जुन सक्सेना के रूप में ये दिखाई दी है। आदित्य पंचोली के बारे में हम बात कर ले तो इंजन ड्राइवर यानी कि सूरज के रूप में फिल्म में अभिनय किए हैं और इनका एक नकारात्मक भूमिका भी रखा गया है जो बिल्ला के रूप में ये फिल्म में डुअल रोल में दिखाई दी है। अजय देवगन के बारे में हम बात कर ले तो ये अजय बहादुर सक्सेना के रूप में फिल्म में दिखाई दिए है। रंभा के बारे में हम बात करें तो मधु के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी है। दोस्तों इन सभी ने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग किया था और मूवी 1996 की हिट फिल्म रही थी। इसी के साथ दोस्तों बतला दे जंग फिल्म साल 1996 की रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती आदित्य पंचोली डबल रोल में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में अजय देवगन रंभा और सदाशिव अमरपुरकर भी दिखाई दिए थे। दोस्तों फिल्म में सहायक रूप में टीनू आनंद और सुजाता मेहता ने अभिनय किया है। दोस्तों जंग फिल्म में मिथुन और अजय देवगन भाई की भूमिका निभाते हैं वहीं पे, लेकिन परिस्थितियों के कारण न्याय की रक्षा के लिए पुलिस अधिकारी मिथुन को अपने भाई के साथ तलवार चलानी पड़ती है। फिल्म का तीसरा कोण आदित्य पंचोली द्वारा चित्रित की गई है जो दोहरी भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक भूमिकाओं में ये फिल्म में दिखाई दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बतला दे जंग फिल्म के लिए सबसे पहले अर्जुन सक्सेना की भूमिका के लिए पहले संजय दत्त को ऑफर की गई थी, लेकिन दोस्तों बतला दे उन्होंने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। फिर निर्माता ने अनिल कपूर से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी अपने किरदार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने मना कर दिया फिल्म में अभिनय करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अजय सक्सेना की भूमिका पहले चंकी पांडे को ऑफर की गई थी, फिर अक्षय कुमार को, लेकिन दोनों अभिनेता ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। अक्षय कुमार ने यह कहा कि एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका का फिल्म में कोई भी लेना देना नहीं है। तो निर्माताओं ने उस भूमिका को फिर निभाने के लिए अजय देवगन को कास्ट किया, लेकिन अर्जुन सक्सेना की भूमिका अभी भी खाली थी। कई बार मना करने के बाद फिल्म निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को मना लिया, लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्होंने खुद को वापस ले लिया फिल्म से। फिर उन्होंने सुनील शेट्टी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी व्यस्त यानी कि व्यस्त के कारण इस परियोजना को छोड़ दिया और उनकी भी यानी कि कोई भी दिलचस्पी नहीं थी फिल्म में अभिनय करने की। इस रोल के लिए मेकर्स ने मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया, उन्होंने ये कहकर इस रोल को स्वीकार कर लिया कि वो इस तरह का किरदार हमेशा निभाने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में जितने भी संगीत रखे गए हैं नदीम सरवन द्वारा रचित किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। दीवाना दीवाना मुत्तू 1995 के थिलाना थिलाना पर आधारित है। दोस्तों आपको बतला दें फिल्म में तीनों स्टार कास्ट को दिखाया गया था। इसमें रंभा फिल्म में अभिनय करते हुए बॉलीवुड की शुरुआत भी की है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों फिल्म में बतलाई गई कहानी आप लोगों को पता ही होगा। अगर आपने इस फिल्म की कहानी को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बतला दूं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में आदित्य पंचोली को भागता हुआ दिखाया गया है। वो क्यों भाग रहे हैं इसका कारण मैं आपको बाद में बतला दूंगा। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती उनका पीछा करते हैं जो फिल्म में इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आए हैं। मिथुन चक्रवर्ती उन्हें एक ट्रेन के ऊपर पकड़ लेते हैं, उसके बाद वापस उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। आदित्य पंचोली लाख मना करते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं कुछ भी यानी कि इसके बारे में नहीं जानता। फिर भी मिथुन चक्रवर्ती उनका कोई भी बात नहीं सुनते, उन्हें जेल के अंदर डाल देते हैं और वो कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें बंद करना है। इसके बाद दोस्तों अगली कार्रवाई जो है अदालत में होती है, जहाँ पे आरोप लगाया गया है आदित्य पंचोली के ऊपर कि इन्होंने सोने की चोरी की है और अपने सारे दोस्तों को मार डाला है। दोस्तों
दोस्तों ये एक संगीन जुर्म था जिसकी वजह से इनको फांसी की सजा दी जाती है फिल्म के अंदर। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं राम बेगुनाह होता है जिसकी वजह से सीता को भी यानी कि उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को जेल के अंदर डाल दिया गया है और एक को फांसी दे दी गई है। इसी बीच दोस्तों राम की पत्नी गर्भवती होती है जो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद वो वहाँ से हॉस्पिटल से भाग जाती है और अजय देवगन यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के घर में नौकरानी के रूप में काम करने लगती है। जब उसे ये पता चलता है कि उसके बेटे को इंस्पेक्टर अपने घर उठा के ले गए तो उसे घर में जाके नौकरी करती है और चुपके से उसको दूध भी पिलाती है। ये सब कुछ करते हुए अजय देवगन एक दिन देख लेते हैं। देखने के बाद वो अजय देवगन की अपनी पूरी कहानी बतलाती है। इस कहानी पे अजय देवगन भरोसा कर लेते हैं और उसको वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे पति को जरूर बचाऊंगा। उसके बाद इन दोनों का रिश्ता भाई बहन का हो जाता है फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों ये दोनों भाई बहन मिलकर बहुत सारे ऐसे कारनामे करते हैं फिल्म में अपने पति को बचाने के लिए। अजय देवगन इस आग में कूद पड़ते हैं और चक्रधारी से लड़ते हैं। चक्रधारी को आपने इसमें देखा होगा जो सदाशिव इस किरदार को निभाए हैं। दोस्तों आदित्य पंचोली का डुअल किरदार है बिल्ला के रूप में। बिल्ला को पकड़ने की कई सारे साजिश रची जाती है। ऐसे में दोस्तों फांसी से कुछ दिन पहले ही बिल्ला को बदल दिया जाता है राम से। इसके बाद दोस्तों वहां पे राम से बिल्ला को बदलने के बाद बिल्ला पागल हो जाता है। वो बोलता है कि मैं रातों रात यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक फांसी से पहले चक्रधारी उसे हेलीकॉप्टर से बचा लेता है। इसके बाद दोस्तों फिल्म के अंत में बहुत ज्यादा एक्शन होते हैं। बहुत सारी एक्शन होने के बाद अजय देवगन आदित्य पंचोली और मिथुन चक्रवर्ती तीनों एक साथ होकर लड़ाई करते हैं और गुंडों के ऊपर हावी हो जाते हैं। और फिल्म के अंत में ये पता चल जाता है कि राम का डुअल रोल है जिसका नाम है बिल्ला, जिसने ये सारा कारनामा किया था, सोने को चुराया था और सारे निर्दोष लोगों को मार डाला था। उसके बाद दोस्तों अदालत इसको निर्दोष साबित कर देता है और ये लोग केस जीत लेते हैं और इसके साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। जी फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों ये फिल्म की कहानी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको ऐसी कहानी देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट यानी कि अजय देवगन के बारे में। दोस्तों अजय देवगन ने 1991 में जब अजय देवगन ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो उन्होंने अपना मंच नाम बदल लिया। जन्म के नाम बदल कर उन्होंने विशाल से अजय कर लिया। अब विशाल से अजय देवगन में बदल दिया क्योंकि विशाल नाम के कई अन्य अभिनेताओं को उसी समय लॉन्च किया गया था जिसमें मनोज कुमार का बेटा भी शामिल थे। उन्होंने फूल और कांटे फिल्म से अपनी पेशेवर करियर की शुरुआत की और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने मधु के साथ सह अभिनय किया। फिल्म में अपने शुरुआती दृश्य में अजय देवगन ने दो मोटरसाइकिलों के बीच संतुलन बनाते हुए एक विभाजन किया था। उनकी अगली फिल्म जिगर मूवी रिलीज हुई थी 1992 में। दोस्तों अजय देवगन की पहली फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी फूल और कांटे। जिगर मूवी 1992 में रिलीज हुई थी जो करिश्मा कपूर की सह कलाकार बॉलीवुड और मार्शल आर्ट वाली फिल्म थी। ये दिवाली हफ्ता पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पे 7 करोड़ से अधिक की कमाई किया। ये मूवी उस वक्त की वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। साल 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब फिल्म में अभिनय किया जो एक प्रेम त्रिकोण और बदला जैसे रोमांटिक विषयों के बारे में ये फिल्म था। ये मूवी फिल्म थी जिन्होंने अगली बार दिव्या शक्ति फिर संग्राम में अभिनय किया था जो संग्राम फिल्म में दो पिताओं के बीच दुश्मनी की कहानी को बतलाया गया। इसके बाद अजय देवगन ने दीपक बहरी के साथ काम किया जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया था। वहीं पे दीपक पवार के साथ जिन्होंने प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया था उस वर्ष अन्य रिलीज शक्तिमान धनवान और बिदर्दी फिल्म थी। ये सारे फिल्में पिट गई थी बॉक्स ऑफिस पे। 1994 में अजय देवगन ने हैरी बवेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया था। उन्होंने वैदिक जो है यानी कि दुर्बलता वाले व्यक्ति की अरुण सक्सेना की भूमिका फिल्म में निभाई। फिल्म साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म थी। इसके बाद दोस्तों अजय देवगन ने अगली बार रिलीज कानून फिल्म में अभिनय किया। अक्षय कुमार के साथ कोको कोहली की सुहाग फिल्म में फिर से काम किया और सुहाग मूवी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अक्षय कुमार के साथ कोको कोहली के साथ इस फिल्म में अभिनय किया। फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी। अजय देवगन ने अजय शर्मा की भूमिका निभाई और वीपी मल्होत्रा की भूमिका निभाई थी। यहाँ पे सुहाग साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म विजय पथ फिल्म थी जो विजय पथ की शूटिंग जो है तारिक करण अर्जुन के साथ टकराई जिसे अजय देवगन ने मना कर दिया था। विजय पथ साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म साबित हुआ।
इसी तरह दोस्तों साल 1995 में अजय देवगन महेश भट्ट की फिल्म नचायज और फिर जो है मिलन लुथरिया द्वारा निर्देशित की गई हलचल में दिखाई दिए। काजोल ने सह अभिनय किया था। इसके बाद अजय देवगन काजोल गुंडा राज में फिर से दिखाई दिए दोनों, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनकी अगली फिल्म रिलीज हुई हकीकत। हकीकत मूवी थी जिसमें तब्बू ने सह अभिनय किया था। ये फिल्म साल की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1996 में देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती रंभा और आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया, जिसके रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। उनकी अगली रिलीज मूवी जान नामक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो ट्विंकल खन्ना के साथ। इसके बाद उन्होंने हैरी बवेजा की फिल्म दिल चले में अभिनय किया, जहां उन्होंने साका नामक एक आतंकवादी का किरदार फिल्म के अंदर निभाया था। इसी तरह दोस्तों अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्म इतिहास में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज मूवी इंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इस फिल्म थी, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और काजोल थे। इस साल की फिल्म में अजय देवगन ने अजय की भूमिका निभाई, जो एक अमीर लड़के को एक गरीब लड़की काजोल से प्यार करता है। फिल्म ने 30 करोड़ यानी कि यूएसए में करवट कर 3.8 मिलियन की कमाई किया। ये फिल्म साल की 4थी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। 1998 में अजय देवगन ने महेश भट्ट के नाटक जखम फिल्म में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जो है प्रदर्शन किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। 1999 में हम दिल दे चुके सनम में अभिनय किए थे अजय देवगन ने। दोस्तों फिल्म के अंदर अजय देवगन नवराज की भूमिका निभाई, एक आदमी जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। इसके बाद अजय देवगन ने अमिताभ बच्चन और वहीं पे सोनाली बेंद्रे के साथ मेजर साहब फिल्म में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक सेना अधिकारी की भूमिका निभाई। फिल्म सफल रही और साल की 7वीं साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इसके बाद उन्होंने अनीस बजनी की दूसरी फिल्म रोमांटिक कॉमेडी प्यार तो होना ही था में काजोल के साथ अभिनय किया था। 1995 की अमेरिकी फिल्म फ्रेंच चाइनीजी की रिमेक मूवी थी। इसने 30 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जो 3.8 मिलियन की डॉलर में कमाई की। अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी महेश भट्ट की जखम फिल्म थी। दोस्तों फिल्म की कहानी प्लॉट दंगों के दौरान मुंबई में सांप्रदायिक तनाव की जांच करता है। देवगन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो धार्मिक संघर्ष से तंग आ चुका है। देवगन ने अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 1999 में अजय देवगन ने रोमांटिक ड्रामा हम दिल दे चुके सनम फिल्म में सलमान खान के साथ अभिनय किए थे। दोस्तों फिल्म में अजय देवगन ने कैसी भूमिका निभाई थी, जो अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को उसके प्रेमी सलमान खान के साथ पूर्ण मिलन में मदद करने की कोशिश करता है। हम दिल दे चुके सनम ने अजय देवगन के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। फिल्म मैत्री देवी की बंगाली उपन्यासना हान्या का रूपांतरण फिल्म था। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित की गई और सह अभिनीत की गई सलमान खान और ऐश्वर्या राय इसमें नजर आई थी। देवगन को उनके प्रदर्शन के लिए काफी सराहा गया। रेडिफ ने कहा, अजय की भूमिका आपको एक और फिल्म का याद दिलाता है जिसका नाम प्यार तो होना ही रखा गया था, और वहाँ वह उस लड़की के प्रेमी की तलाश कर रहे होते हैं जिसे वह चुपके से प्यार करते हैं, लेकिन गहन तीर से उसकी ताकत है और वह यहाँ यानी कि अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वह विशेष रूप से उस दृश्य में अच्छा है जहाँ वह अपनी पत्नी की जिससे यानी कि चिढ़ जाते हैं और उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। फिल्म सफल रही और देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उसके बाद वह अमिताभ बच्चन और सोनाली बेंद्रे के साथ हिंदुस्तान की कसम में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने निर्देशक मिलन लुथरिया के साथ कच्चे धागे फिल्म में दिखाई दिए, जिसमें सैफ अली खान और मनीषा कोइराला के साथ काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट रही थी। उसके बाद उन्होंने सफल फिल्म होगी प्यार की जीत में एक्शन रोमांटिक कॉमेडी और फिर जो है काजोल और निर्देशक जो है प्रकाश झा के साथ अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम दिल क्या कर रखा गया था। 1999 में उनकी अन्य फिल्में रिलीज हुई थी। गैर यानी कि तक्षक फिल्म भी थी, जिसमें जो है उन्होंने एक मजबूत मुख्य व्यक्ति की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। इसके बाद दोस्तों अजय देवगन ने 2000 के दशक में दीवाने फिल्म में अभिनय किया था, यानी कि अजय देवगन ने हैरी बवेजा की दीवाने में अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उस वर्ष अजय देवगन ने अपने पहले होम प्रोडक्शन में अभिनय किया, काजोल के साथ राजू चाचा फिल्म में अभिनय किया था। 2001 में अजय देवगन ने एक और मामूली सफल फिल्म में अभिनय किया, ये रास्ते हैं प्यार के।
ये माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के साथ काम किया। मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के साथ उनकी अगली रिलीज मूवी लज्जा फिल्म थी। उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था फिल्म के लिए। हालांकि फिल्म जनता के बीच लोकप्रियता नहीं थी। महेश मांजरेकर की तेरा मेरा साथ रहे फिल्म में इन्होंने फिर से अभिनय किया था। इसके बाद दोस्तों 2002 में अजय देवगन ने फिल्म कंपनी में मुंबई अंडरवर्ल्ड की राम गोपाल वर्मा की काल्पनिक जो है परीक्षा में प्रदर्शन किया। देवगन ने मलिक नाम की एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई। कंपनी और देवगन दोनों के प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। जैसा कि दनन आदर्श ने समीक्षा किया, देवगन अपनी भूमिका को पूर्णता के लिए निभाते हैं। एक नियंत्रित प्रदर्शन अभिनेता इस जटिल और चरित्र को लेते हैं, जैसा जो है मछली पानी में ले जाता है। वह अपने हिस्से को सराहनीय सहजता से रेखांकित करते हैं। देवगन को फिल्म फेयर के नामांकित किया गया था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी दिया गया। अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी डेविड धवन की कॉमेडी हम किसी से कम नहीं में अभिनय किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और ऐश्वर्या राय थे। उस वर्ष उन्होंने राजकुमार संतोषी की बायोपिक द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में अभिनय किया था। इसी तरह उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा। तरुण आदर्श ने कहा, अजय देवगन ने अपनी भूमिका को जिया है और वो कहना है कि उत्कृष्ट है अपने काम में। कल्पना होगा उनका प्रदर्शन जो है पुरस्कार पाने के अलावा, और वहीं पे सिनेमा प्रेमियों से प्रशंसा मिली थी अजय देवगन को। और ये फिल्म 7 जून 2002 को रिलीज हुई। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे जंग फिल्म को, जिसे 1996 में रिलीज किया गया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, आदित्य पंचोली डुअल रोल में नजर आए थे। दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूरोप पर नहीं देखने को मिलता है, ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, इन सभी चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। दोस्तों ये फिल्म आपको G5 पे देखने को मिलता है, लेकिन आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। जैसा कि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करें जंग फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, अजय देवगन और उनमें वाणी विश्वनंद और रंभा फिल्म में अभिनय करती हुई दिखाई दी थी। इसी के साथ दोस्तों अन्य सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो सदाशिव, अमर पुरकर और तीनू आनंद और सुजीता मेहता फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो टी रामा राव सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। दोस्तों इस फिल्म के राइटर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी भी टी रामा राव सर ने ही लिखे थे। दोस्तों इस फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो राजीव कुमार एवं आदित्य पंचोली सर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इसी के साथ साथ दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो सप्तारिश फिल्म के बैनर तहत इस फिल्म को बनाया गया था। और दोस्तों फिल्म को जी टेलीफिल्म के बैनर तहत ये मूवी पूरी दुनिया भर में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको G5 पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोस्तों इस फिल्म के अधिकार G5 के पास रखा गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवीज की कहानी के बारे में बात करेंगे। लाओ दोस्तों इस फिल्म को कहाँ पे शूट किया गया था, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कितने कमाई की थी और इस फिल्म में सबसे पहले कौन से स्टार कास्ट को पसंद किया गया था। उसके बाद कई सारे स्टार कास्ट को ठुकराने के बाद ये फिल्म अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती के पास गई थी। इसके अलावा दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में एसीपी अर्जुन सक्सेना के रूप में ये दिखाई दी है। आदित्य पंचोली के बारे में हम बात कर ले तो इंजन ड्राइवर यानी कि सूरज के रूप में फिल्म में अभिनय किए हैं और इनका एक नकारात्मक भूमिका भी रखा गया है, जो बिल्ला के रूप में ये फिल्म में डुअल रोल में दिखाई दी है। अजय देवगन के बारे में हम बात कर ले तो ये अजय बहादुर सक्सेना के रूप में फिल्म में दिखाई दिए है। रंभा के बारे में हम बात करें तो मधु के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी है। दोस्तों इन सभी ने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग किया था और मूवी 1996 की हिट फिल्म रही थी। इसी के साथ दोस्तों बतला दे जंग फिल्म साल 1996 की रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली डबल रोल में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में अजय देवगन, रंभा और सदाशिव अमर पुरकर भी दिखाई दिए थे। दोस्तों फिल्म में सहायक रूप में तीनू आनंद और सुजाता मेहता ने अभिनय किया है। दोस्तों जंग फिल्म में मिथुन और अजय देवगन भाई की भूमिका निभाते हैं वहीं पे, लेकिन परिस्थितियों के कारण न्याय की रक्षा के लिए पुलिस अधिकारी मिथुन को अपने भाई के साथ तलवार चलानी पड़ती है। फिल्म का तीसरा कोण आदित्य पंचोली द्वारा चित्रित की गई है, जो दोहरी भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक भूमिकाओं में ये फिल्म में दिखाई दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बतला दे जंग फिल्म के लिए सबसे पहले अर्जुन सक्सेना की भूमिका के लिए पहले संजय दत्त को ऑफर की गई थी, लेकिन दोस्तों बतला दे उन्होंने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया।
फिर निर्माता ने अनिल कपूर से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी अपने किरदार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने मना कर दिया फिल्म में अभिनय करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अजय सक्सेना की भूमिका पहले चंकी पांडे को ऑफर की गई थी, फिर अक्षय कुमार को, लेकिन दोनों अभिनेता ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। अक्षय कुमार ने ये कहा कि एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका का फिल्म में कोई भी लेना देना नहीं है। तो निर्माताओं ने उस भूमिका को फिर निभाने के लिए अजय देवगन को कास्ट किया, लेकिन अर्जुन सक्सेना की भूमिका अभी भी खाली थी। कई बार मना करने के बाद फिल्म निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को मना लिया, लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्होंने खुद को वापस ले लिया फिल्म से। फिर उन्होंने सुनील शेट्टी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी व्यस्त के कारण इस परियोजना को छोड़ दिया और उनकी भी यानी कि कोई भी दिलचस्पी नहीं थी फिल्म में अभिनय करने की। इस रोल के लिए मेकर्स ने मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया, उन्होंने ये कहकर इस रोल को स्वीकार कर लिया कि वो इस तरह का किरदार हमेशा निभाने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में जितने भी संगीत रखे गए हैं नदीम सरवन द्वारा रचित किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। दीवाना दीवाना मुत्थु 1995 के थिलाना थिलाना पर आधारित है। दोस्तों आपको बता दें फिल्म में तीनों स्टार कास्ट को दिखाया गया था। इसमें रंभा फिल्म में अभिनय करते हुए बॉलीवुड की शुरुआत भी की है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों फिल्म में बतलाई गई कहानी आप लोगों को पता ही होगा। अगर आपने इस फिल्म की कहानी को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, दोस्तों फिल्म की शुरुआत में आदित्य पंचोली को भागता हुआ दिखाया गया है। वो क्यों भाग रहे हैं इसका कारण मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती उनका पीछा करते हैं जो फिल्म में इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आए हैं। मिथुन चक्रवर्ती उन्हें एक ट्रेन के ऊपर पकड़ लेते हैं, उसके बाद वापस उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। आदित्य पंचोली लाख मना करते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं कुछ भी यानी कि इसके बारे में नहीं जानता। फिर भी मिथुन चक्रवर्ती उनका कोई भी बात नहीं सुनते, उन्हें जेल के अंदर डाल देते हैं और वो कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें बंद करना है। इसके बाद दोस्तों अगली कार्रवाई जो है अदालत में होती है, जहाँ पे आरोप लगाया गया है आदित्य पंचोली के ऊपर कि इन्होंने सोने की चोरी की है और अपने सारे दोस्तों को मार डाला है। दोस्तों ये एक संगीन जुर्म था जिसकी वजह से इनको फांसी की सजा दी जाती है फिल्म के अंदर। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं राम बेगुनाह होता है, जिसकी वजह से सीता को भी यानी कि उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को जेल के अंदर डाल दिया गया है और एक को फांसी दे दी गई है। इसी बीच दोस्तों राम की पत्नी गर्भवती होती है जो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद वो वहाँ से हॉस्पिटल से भाग जाती है और अजय देवगन यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के घर में नौकरानी के रूप में काम करने लगती है। जब उसे ये पता चलता है कि उसके बेटे को इंस्पेक्टर अपने घर उठा के ले गए तो उसे घर में जाके नौकरी करती है और चुपके से उसको दूध भी पिलाती है। ये सब कुछ करते हुए अजय देवगन एक दिन देख लेते हैं। देखने के बाद वो अजय देवगन की अपनी पूरी कहानी बतलाती है। इस कहानी पे अजय देवगन भरोसा कर लेते हैं और उसको वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे पति को जरूर बचाऊंगा। उसके बाद इन दोनों का रिश्ता भाई बहन का हो जाता है फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों ये दोनों भाई बहन मिलकर बहुत सारे ऐसे कारनामे करते हैं फिल्म में अपने पति को बचाने के लिए। अजय देवगन इस आग में कूद पड़ते हैं और चक्रधारी से लड़ते हैं। चक्रधारी को आपने इसमें देखा होगा जो सदाशिव इस किरदार को निभाए हैं। दोस्तों आदित्य पंचोली का डुअल किरदार है बिल्ला के रूप में। बिल्ला को पकड़ने की कई सारी साजिश रची जाती है। ऐसे में दोस्तों फांसी से कुछ दिन पहले ही बिल्ला को बदल दिया जाता है राम से। इसके बाद दोस्तों वहाँ पे राम से बिल्ला को बदलने के बाद बिल्ला पागल हो जाता है। वो बोलता है कि मैं रातों रात यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक फांसी से पहले चक्रधारी उसे हेलीकॉप्टर से बचा लेता है। इसके बाद दोस्तों फिल्म के अंत में बहुत ज्यादा एक्शन होते हैं। बहुत सारी एक्शन होने के बाद अजय देवगन, आदित्य पंचोली और मिथुन चक्रवर्ती तीनों एक साथ होकर लड़ाई करते हैं और गुंडों के ऊपर हावी हो जाते हैं। और फिल्म के अंत में ये पता चल जाता है कि राम का डुअल रोल है जिसका नाम है बिल्ला, जिसने ये सारा कारनामा किया था, सोने को चुराया था और सारे निर्दोष लोगों को मार डाला था। उसके बाद दोस्तों अदालत इसको निर्दोष साबित कर देता है और ये लोग केस जीत लेते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। जी हां फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों ये फिल्म की कहानी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको ऐसी कहानी देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट यानी कि अजय देवगन के बारे में। दोस्तों अजय देवगन ने 1991 में जब अजय देवगन ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो उन्होंने अपना मंच नाम बदल लिया। जन्म के नाम बदल कर उन्होंने विशाल से अजय कर लिया।
अब विशाल से अजय देवगन में बदल दिया, क्योंकि विशाल नाम के कई अन्य अभिनेताओं को उसी समय लॉन्च किया गया था, जिसमें मनोज कुमार का बेटा भी शामिल थे। उन्होंने फूल और कांटे फिल्म से अपनी पेशेवर करियर की शुरुआत की और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने मधु के साथ सह अभिनय किया। फिल्म में अपने शुरुआती दृश्य में अजय देवगन ने दो मोटरसाइकिलों के बीच संतुलन बनाते हुए एक विभाजन किया था। उनकी अगली फिल्म जिगर मूवी रिलीज हुई थी 1992 में। दोस्तों, अजय देवगन की पहली फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी फूल और कांटे। जिगर मूवी 1992 में रिलीज हुई थी, जो करिश्मा कपूर की सह कलाकार बॉलीवुड और मार्शल आर्ट वाली फिल्म थी। ये दिवाली हफ्ता पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ से अधिक की कमाई किया। ये मूवी उस वक्त की वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। साल 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब फिल्म में अभिनय किया, जो एक प्रेम त्रिकोण और बदला जैसे रोमांटिक विषयों के बारे में ये फिल्म था। ये मूवी फिल्म थी जिन्होंने अगली बार दिव्या शक्ति फिर संग्राम में अभिनय किया था, जो संग्राम फिल्म में दो पिताओं के बीच दुश्मनी की कहानी को बतलाया गया। इसके बाद अजय देवगन ने दीपक बहरी के साथ काम किया, जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया था। वहीं पे दीपक पवार के साथ जिन्होंने प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया था, उस वर्ष अन्य रिलीज शक्तिमान धनवान और विदर्दी फिल्म थी। ये सारे फिल्में पिट गई थी बॉक्स ऑफिस पे। 1994 में अजय देवगन ने हैरी बवेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया था। उन्होंने वैदिक जो है यानी कि दुर्बलता वाले व्यक्तित्व की अरुण सक्सेना की भूमिका फिल्म में निभाई। फिल्म साल की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म थी। इसके बाद दोस्तों, अजय देवगन ने अगली बार रिलीज कानून फिल्म में अभिनय किया। अक्षय कुमार के साथ कुकू कोहली की सुहाग फिल्म में फिर से काम किया और सुहाग मूवी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अक्षय कुमार के साथ कुकू कोहली के साथ इस फिल्म में अभिनय किया। फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी। अजय देवगन ने अजय शर्मा की भूमिका निभाई और वीपी मल्होत्रा की भूमिका निभाई थी। यहाँ पे सुहाग साल की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म विजय पथ फिल्म थी, जो विजय पथ की शूटिंग जो है तारिक करण अर्जुन के साथ टकराई, जिसे अजय देवगन ने मना कर दिया था। विजय पथ साल की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म साबित हुआ। इसी तरह दोस्तों, साल 1995 में अजय देवगन महेश भट्ट की फिल्म नचायज और फिर जो है मिलन लूथरिया द्वारा निर्देशित की गई हलचल में दिखाई दिए। काजोल ने सह अभिनय किया था। इसके बाद अजय देवगन काजोल गुंडा राज में फिर से दिखाई दिए दोनों, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनकी अगली फिल्म रिलीज हुई हकीकत मूवी थी, जिसमें तब्बू ने सह अभिनय किया था। ये फिल्म साल की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1996 में देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती रंभा और आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया, जिसके रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। उनकी अगली रिलीज मूवी जान नामक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जो ट्विंकल खन्ना के साथ। इसके बाद उन्होंने हैरी बवेजा की फिल्म दिल जल में अभिनय किया, जहां उन्होंने साका नामक एक आतंकवादी का किरदार फिल्म के अंदर निभाया था। इसी तरह दोस्तों, अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्म इतिहास में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज मूवी इंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इस फिल्म थी, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और काजोल थे। इस साल की फिल्म में अजय देवगन ने अजय की भूमिका निभाई, जो एक अमीर लड़के को एक गरीब लड़की काजोल से प्यार करता है। फिल्म ने 30 करोड़ यानी कि यूएसए में कन्वर्ट कर 3.8 मिलियन की कमाई किया। ये फिल्म साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। 1998 में अजय देवगन ने महेश भट्ट के नाटक जखम फिल्म में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जो है प्रदर्शन किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। 1999 में हम दिल दे चुके सनम में अभिनय किए थे अजय देवगन ने। दोस्तों, फिल्म के अंदर अजय देवगन नवराज की भूमिका निभाई, एक आदमी जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। इसके बाद अजय देवगन ने अमिताभ बच्चन और वहीं पे सोनाली बेंद्रे के साथ मेजर साहब फिल्म में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक सेना अधिकारी की भूमिका निभाई। फिल्म सफल रही और साल की दसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इसके बाद उन्होंने अनीस बजनी की दूसरी फिल्म रोमांटिक कॉमेडी प्यार तो होना ही था में काजोल के साथ अभिनय किया था। 1995 की अमेरिकी फिल्म फ्रेंच चाइनीजी की रिमेक मूवी थी। इसने 30 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जो 3.8 मिलियन की डॉलर में कमाई की। अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी महेश भट्ट की जखम फिल्म थी।
दोस्तों फिल्म की कहानी प्लॉट दंगों के दौरान मुंबई में शबरा दाईक तनाव की जांच करता है। देवगन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो धार्मिक संघर्ष से तंग आ चुका है। देवगन ने अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 1999 में अजय देवगन ने रोमांटिक ड्रामा हम दिल दे चुके सलाम फिल्म में सलमान खान के साथ अभिनय किए थे। दोस्तों फिल्म में अजय देवगन ने ऐसी भूमिका निभाई थी जो अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को उसके प्रेमी सलमान खान के साथ पूर्ण मिलन में मदद करने की कोशिश करता है। हम दिल दे चुके सनम ने अजय देवगन के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। फिल्म मैत्री देवी की बंगाली उपन्यासना हान्या का रूपांतरण फिल्म था। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित की गई और सह अभिनीत की गई सलमान खान और ऐश्वर्या राय इसमें नजर आई थी। देवगन को उनके प्रदर्शन के लिए काफी सराहा गया। रेडिफ ने कहा, अजय की भूमिका आपको एक और फिल्म का याद दिलाता है जिसका नाम प्यार तो होना ही रखा गया था, और वहाँ वह उस लड़की के प्रेमी की तलाश कर रहे होते हैं जिसे वह चुपके से प्यार करते हैं, लेकिन गहन तीर से उसकी ताकत है और वह यहाँ यानी कि अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वह विशेष रूप से उस दृश्य में अच्छा है जहाँ वह अपनी पत्नी की जिससे यानी कि चिढ़ जाते हैं और उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। फिल्म सफल रही और देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उसके बाद वह अमिताभ बच्चन और सोनाली बेंद्रे के साथ हिंदुस्तान की कसम में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने निर्देशक मियां लुथरिया के साथ कच्चे धागे फिल्म में दिखाई दिए, जिसमें सैफ अली खान और मनीषा कोइराला के साथ काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट रही थी। उसके बाद उन्होंने सफल फिल्म होगी प्यार की जीत में एक्शन, रोमांटिक कॉमेडी और फिर जो है काजोल और निर्देशक जो है प्रकाश झा के साथ अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम दिल क्या कर रखा गया था। 1999 में उनकी अन्य फिल्में रिलीज हुई थी। गैर यानी कि तक्षक फिल्म थी जिसमें जो है उन्होंने एक मजबूत मुख्य व्यक्तित्व की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। इसके बाद दोस्तों अजय देवगन ने 2000 के दशक में दीवाने फिल्म में अभिनय किया था, यानी कि अजय देवगन ने हैरी बवेजा की दीवाने में अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उस वर्ष अजय देवगन ने अपने पहले होम प्रोडक्शन में अभिनय किया, काजोल के साथ राजू चाचा फिल्म में अभिनय किया था। 2001 में अजय देवगन ने एक और मामूली सफल फिल्म में अभिनय किया, ये रास्ते हैं प्यार के। ये माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के साथ काम किया। मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित और जेकी श्रॉफ और अनिल कपूर के साथ उनकी अगली रिलीज मूवी लज्जा फिल्म थी। उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था फिल्म के लिए। हालांकि फिल्म जनता के बीच लोकप्रियता नहीं थी। महेश मांजरेकर की तेरा मेरा साथ रहे फिल्म में इन्होंने फिर से अभिनय किया था। इसके बाद दोस्तों 2002 में अजय देवगन ने फिल्म कंपनी में मुंबई अंडरवर्ल्ड की राम गोपाल वर्मा की काल्पनिक परीक्षा में प्रदर्शन किया। देवगन ने मलिक नाम की एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई। कंपनी और देवगन दोनों के प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। जैसा कि दनन आदर्श ने समीक्षा किया, देवगन अपनी भूमिका को पूर्णता के लिए निभाते हैं। एक नियंत्रित प्रदर्शन अभिनेता इस जटिल और चरित्र को लेते हैं जैसा जो है मछली पानी में ले जाता है। वह अपने हिस्से को सराहनीय सहजता से रेखांकित करते हैं। देवगन को फिल्म फेयर के नामांकित किया गया था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी दिया गया। अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी डेविड धवन की कॉमेडी हम किसी से कम नहीं में अभिनय किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और ऐश्वर्या राय थे। उस वर्ष उन्होंने राजकुमार संतोषी की बायोपिक द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में अभिनय किया था। इसी तरह उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा। तरण आदर्श ने कहा, अजय देवगन ने अपनी भूमिका को जिया है और वो कहना है कि उत्कृष्ट अपने काम में। कल्पना होगा उनका प्रदर्शन जो पुरस्कार पाने के अलावा और वहीं पे सिनेमा प्रेमियों से प्रशंसा मिली थी अजय देवगन को। और ये फिल्म 7 जून 2002 को रिलीज हुई। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे जंग फिल्म को, जिसे 1996 में रिलीज किया गया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, आदित्य पंचोली डुअल रोल में नजर आए थे। दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलता है, ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों इन सभी चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। दोस्तों ये फिल्म आपको G5 पे देखने को मिलता है, लेकिन आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। जैसा कि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करें जंग फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो
इंटरव्यू में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, अजय देवगन और उनमें वाणी विश्वनाथन और रंभा फिल्म में अभिनय करती हुई दिखाई दी थी। इसी के साथ दोस्तों अन्य सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो सदाशिव, अमर पुरकर और तीनू आनंद और सुजीता मेहता फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो टी रामाराव सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। दोस्तों इस फिल्म के राइटर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी भी टी रामाराव सर ने ही लिखे थे। दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो राजीव कुमार एवं आदित्य पंचोली सर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इसी के साथ साथ दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो सप्तारिश फिल्म के बैनर तहत इस फिल्म को बनाया गया था और दोस्तों फिल्म को जी टेलीफिल्म के बैनर तहत ये मूवी पूरी दुनिया भर में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको G5 पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोस्तों इस फिल्म के अधिकार G5 के पास रखा गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस मूवीज की कहानी के बारे में बात करेंगे। लाओ दोस्तों इस फिल्म को कहाँ पे शूट किया गया था, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई की थी और इस फिल्म में सबसे पहले कौन से स्टार कास्ट को पसंद किया गया था, उसके बाद कई सारे स्टार कास्ट को ठुकराने के बाद ये फिल्म अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती के पास गई थी। इसके अलावा दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में एसीपी अर्जुन सक्सेना के रूप में ये दिखाई दी है। आदित्य पंचोली के बारे में हम बात कर ले तो इंजन ड्राइवर यानी कि सूरज के रूप में फिल्म में अभिनय किए हैं और इनका एक नकारात्मक भूमिका भी रखा गया है जो बिल्ला के रूप में ये फिल्म में डुअल रोल में दिखाई दी है। अजय देवगन के बारे में हम बात कर ले तो ये अजय बहादुर सक्सेना के रूप में फिल्म में दिखाई दिए है। रंभा के बारे में हम बात करें तो मधु के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी है। दोस्तों इन सभी ने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग किया था और मूवी 1996 की हिट फिल्म रही थी। इसी के साथ दोस्तों बतला दे जंग फिल्म साल 1996 की रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली डबल रोल में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में अजय देवगन, रंभा और सदाशिव अमर पुरकर भी दिखाई दिए थे। दोस्तों फिल्म में सहायक रूप में तीनू आनंद और सुजाता मेहता ने अभिनय किया है। दोस्तों जंग फिल्म में मिथुन और अजय देवगन भाई की भूमिका निभाते हैं, वहीं पे लेकिन परिस्थितियों के कारण न्याय की रक्षा के लिए पुलिस अधिकारी मिथुन को अपने भाई के साथ तलवार चलानी पड़ती है। फिल्म का तीसरा कोण आदित्य पंचोली द्वारा चित्रित की गई है जो दोहरी भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक भूमिकाओं में ये फिल्म में दिखाई दिए है। इसके अलावा दोस्तों आपको बतला दें जंग फिल्म के लिए सबसे पहले अर्जुन सक्सेना की भूमिका के लिए पहले संजय दत्त को ऑफर की गई थी, लेकिन दोस्तों बतला दें उन्होंने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। फिर निर्माता ने अनिल कपूर से संपर्क किया लेकिन उन्होंने भी अपने किरदार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने मना कर दिया फिल्म में अभिनय करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अजय सक्सेना की भूमिका पहले चंकी पांडे को ऑफर की गई थी, फिर अक्षय कुमार को, लेकिन दोनों अभिनेता ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। अक्षय कुमार ने यह कहा कि एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका का फिल्म में कोई भी लेना देना नहीं है। तो निर्माताओं ने उस भूमिका को फिर निभाने के लिए अजय देवगन को कास्ट किया, लेकिन अर्जुन सक्सेना की भूमिका अभी भी खाली थी। कई बार मना करने के बाद फिल्म निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को मना लिया, लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्होंने खुद को वापस ले लिया फिल्म से। फिर उन्होंने सुनील शेट्टी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी व्यस्त के कारण इस परियोजना को छोड़ दिया और उनकी भी यानी कि कोई भी दिलचस्पी नहीं थी फिल्म में अभिनय करने की। इस रोल के लिए मेकर्स ने मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया, उन्होंने ये कहकर इस रोल को स्वीकार कर लिया कि वो इस तरह का किरदार हमेशा निभाने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में जितने भी संगीत रखे गए हैं नदीम सरवन द्वारा रचित किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। दीवाना दीवाना मुत्तू 1995 के थिलाना थिलाना पर आधारित है। दोस्तों आपको बता दें फिल्म में तीनों स्टार कास्ट को दिखाया गया था। इसमें रंभा फिल्म में अभिनय करते हुए बॉलीवुड की शुरुआत भी की है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों फिल्म में बतलाई गई कहानी आप लोगों को पता ही होगा। अगर आपने इस फिल्म की कहानी को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बतला दूं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में आदित्य पंचोली को भागता हुआ दिखाया गया है। वो क्यों भाग रहे हैं इसका कारण मैं आपको बाद में बतला दूंगा। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती उनका पीछा करते हैं जो फिल्म में इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आए हैं। मिथुन चक्रवर्ती उन्हें एक ट्रेन के ऊपर पकड़ लेते हैं, उसके बाद वापस उन्हें जेल में बंद कर देते हैं।
आदित्य पंचोली लाख मना करते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं कुछ भी यानी कि इसके बारे में नहीं जानता। फिर भी मिथुन चक्रवर्ती उनका कोई भी बात नहीं सुनते, उन्हें जेल के अंदर डाल देते हैं और वो कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें बंद करना है। इसके बाद दोस्तों अगली कार्रवाई जो है अदालत में होती है, जहाँ पे आरोप लगाया गया है आदित्य पंचोली के ऊपर कि इन्होंने सोने की चोरी की है और अपने सारे दोस्तों को मार डाला है। दोस्तों ये एक संगीन जुर्म था जिसकी वजह से इनको फांसी की सजा दी जाती है फिल्म के अंदर। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं राम बेगुनाह होता है, जिसकी वजह से सीता को भी यानी कि उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को जेल के अंदर डाल दिया गया है और एक को फांसी दे दी गई है। इसी बीच दोस्तों राम की पत्नी गर्भवती होती है जो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद वो वहाँ से हॉस्पिटल से भाग जाती है और अजय देवगन यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के घर में नौकरानी के रूप में काम करने लगती है। जब उसे ये पता चलता है कि उसके बेटे को इंस्पेक्टर अपने घर उठा के ले गए, तो उसे घर में जाके नौकरी करती है और चुपके से उसको दूध भी पिलाती है। ये सब कुछ करते हुए अजय देवगन एक दिन देख लेते हैं। देखने के बाद वो अजय देवगन की अपनी पूरी कहानी बतलाती है। इस कहानी पे अजय देवगन भरोसा कर लेते हैं और उसको वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे पति को जरूर बचाऊंगा। उसके बाद इन दोनों का रिश्ता भाई बहन का हो जाता है फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों ये दोनों भाई बहन मिलकर बहुत सारे ऐसे कारनामे करते हैं फिल्म में अपने पति को बचाने के लिए। अजय देवगन इस आग में कूद पड़ते हैं और चक्रधारी से लड़ते हैं। चक्रधारी को आपने इसमें देखा होगा जो सदाशिव इस किरदार को निभाए हैं। दोस्तों आदित्य पंचोली का डुअल किरदार है बिल्ला के रूप में। बिल्ला को पकड़ने की कई सारे साजिश रची जाती है। ऐसे में दोस्तों फांसी से कुछ दिन पहले ही बिल्ला को बदल दिया जाता है राम से। इसके बाद दोस्तों वहाँ पे राम से बिल्ला को बदलने के बाद बिल्ला पागल हो जाता है। वो बोलता है कि मैं रातों रात यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक फांसी से पहले चक्रधारी उसे हेलीकॉप्टर से बचा लेता है। इसके बाद दोस्तों फिल्म के अंत में बहुत ज्यादा एक्शन होते हैं। बहुत सारी एक्शन होने के बाद अजय देवगन, आदित्य पंचोली और मिथुन चक्रवर्ती तीनों एक साथ होकर लड़ाई करते हैं और गुंडों के ऊपर हावी हो जाते हैं। और फिल्म के अंत में ये पता चल जाता है कि राम का डुअल रोल है जिसका नाम है बिल्ला, जिसने ये सारा कारनामा किया था, सोने को चुराया था और सारे निर्दोष लोगों को मार डाला था। उसके बाद दोस्तों अदालत इसको निर्दोष साबित कर देता है और ये लोग केस जीत लेते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। जी फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों ये फिल्म की कहानी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको ऐसी कहानी देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट यानी कि अजय देवगन के बारे में। दोस्तों अजय देवगन ने 1991 में जब अजय देवगन ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो उन्होंने अपना मंच नाम बदल लिया। जन्म के नाम बदल कर उन्होंने विशाल से अजय कर लिया। अब विशाल से अजय देवगन में बदल दिया क्योंकि विशाल नाम के कई अन्य अभिनेताओं को उसी समय लॉन्च किया गया था, जिसमें मनोज कुमार का बेटा भी शामिल थे। उन्होंने फूल और कांटे फिल्म से अपनी पेशेवर करियर की शुरुआत की और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने मधु के साथ सह अभिनय किया। फिल्म में अपने शुरुआती दृश्य में अजय देवगन ने दो मोटरसाइकिलों के बीच संतुलन बनाते हुए एक विभाजन किया था। उनकी अगली फिल्म जिगर मूवी रिलीज हुई थी 1992 में। दोस्तों अजय देवगन की पहली फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी फूल और कांटे। जिगर मूवी 1992 में रिलीज हुई थी जो करिश्मा कपूर की सह कलाकार बॉलीवुड और मार्शल आर्ट वाली फिल्म थी। ये दिवाली हफ्ता पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ से अधिक की कमाई किया। ये मूवी उस वक्त की वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। साल 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब फिल्म में अभिनय किया जो एक प्रेम त्रिकोण और बदला जैसे रोमांटिक विषयों के बारे में ये फिल्म था। ये मूवी फिल्म थी जिन्होंने अगली बार दिव्या शक्ति फिर संग्राम में अभिनय किया था, जो संग्राम फिल्म में दो पिताओं के बीच दुश्मनी की कहानी को बतलाया गया। इसके बाद अजय देवगन ने दीपक बहरी के साथ काम किया जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया था। वहीं पे दीपक पवार के साथ जिन्होंने प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया था उस वर्ष अन्य रिलीज शक्तिमान धनवान और बिदर्दी फिल्म थी। ये सारे फिल्में पिट गई थी बॉक्स ऑफिस पे। 1994 में अजय देवगन ने हैरी बवेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया था। उन्होंने वैदिक जो है यानी कि दुर्बलता वाले व्यक्तित्व की अरुण सक्सेना की भूमिका फिल्म में निभाई। फिल्म साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म थी। इसके बाद दोस्तों अजय देवगन ने अगली बार रिलीज कानून फिल्म में अभिनय किया। अक्षय कुमार के साथ कुकु कोहली की सुहाग फिल्म में फिर से काम किया और सुहाग मूवी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अक्षय कुमार के साथ कुकु कोहली के साथ इस फिल्म में अभिनय किया। फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी। अजय देवगन ने अजय शर्मा की भूमिका निभाई और कोई भी मल्होत्रा की भूमिका निभाई थी। यहाँ पे सुहाग साल की 7वीं सबसे ज्यादा
कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म विजय पथ फिल्म थी, जो विजय पथ की शूटिंग जो है तारिक करण अर्जुन के साथ टकराई, जिसे अजय देवगन ने मना कर दिया था। विजय पथ साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म साबित हुआ। इसी तरह दोस्तों साल 1995 में अजय देवगन महेश भट्ट की फिल्म नचायज और फिर जो है मिलन लूथरी धारा निर्देशित की गई हलचल में दिखाई दिए। काजोल ने सह अभिनय किया था। इसके बाद अजय देवगन काजोल गुंडा राज में फिर से दिखाई दिए दोनों, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनकी अगली फिल्म रिलीज हुई हकीकत मूवी थी, जिसमे तब्बू ने सह अभिनय किया था। ये फिल्म साल की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1996 में देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती रंभा और आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया, जिसके रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। उनकी अगली रिलीज मूवी जान नामक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जो ट्विंकल खन्ना के साथ। इसके बाद उन्होंने हैरी बवेजा की फिल्म दिल जल में अभिनय किया, जहाँ उन्होंने साका नामक एक आतंकवादी का किरदार फिल्म के अंदर निभाया था। इसी तरह दोस्तों अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्म इतिहास में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज मूवी इंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इश्क फिल्म थी, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और काजोल थे। इस साल की फिल्म में अजय देवगन ने अजय की भूमिका निभाई, जो एक अमीर लड़के को एक गरीब लड़की काजोल से प्यार करता है। फिल्म ने 30 करोड़ यानी कि यूएसए में कन्वर्ट कर 3.8 मिलियन की कमाई किया। ये फिल्म साल की 4थी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। 1998 में अजय देवगन ने महेश भट्ट के नाटक जखम फिल्म में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जो है प्रदर्शन किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। 1999 में हम दिल दे चुके सनम में अभिनय किए थे अजय देवगन ने। दोस्तों फिल्म के अंदर अजय देवगन नवराज की भूमिका निभाई, एक आदमी जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। इसके बाद अजय देवगन ने अमिताभ बच्चन और वहीं पे सोनाली बेंद्रे के साथ मेजर साहब फिल्म में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक सेना अधिकारी की भूमिका निभाई। फिल्म सफल रही और साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इसके बाद उन्होंने अनीस बजनी की दूसरी फिल्म रोमांटिक कॉमेडी प्यार तो होना ही था में काजोल के साथ अभिनय किया था। 1995 की अमेरिकी फिल्म फ्रेंच चाइनीजी की रिमेक मूवी थी। इसने 30 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जो 3.8 मिलियन की डॉलर में कमाई की। अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी महेश भट्ट की जखम फिल्म थी। दोस्तों फिल्म की कहानी प्लॉट दंगों के दौरान मुंबई में सांप्रदायिक तनाव की जांच करता है। देवगन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो धार्मिक संघर्ष से तंग आ चुका है। देवगन ने अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 1999 में अजय देवगन ने रोमांटिक ड्रामा हम दिल दे चुके सनम फिल्म में सलमान खान के साथ अभिनय किए थे। दोस्तों फिल्म में अजय देवगन ने कैसी भूमिका निभाई थी, जो अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को उसके प्रेमी सलमान खान के साथ पूर्ण मिलन में मदद करने की कोशिश करता है। हम दिल दे चुके सनम ने अजय देवगन के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। फिल्म मैत्री देवी की बंगाली उपन्यासना हान्या का रूपांतरण फिल्म था। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित की गई और सह अभिनीत की गई सलमान खान और ऐश्वर्या राय इसमें नजर आई थी। देवगन को उनके प्रदर्शन के लिए काफी सराहा गया। रेडिफ ने कहा, अजय की भूमिका आपको एक और फिल्म का याद दिलाता है, जिसका नाम प्यार तो होना ही रखा गया था, और वहाँ वह उस लड़की के प्रेमी की तलाश कर रहे होते हैं, जिसे वह चुपके से प्यार करते हैं, लेकिन गहन तीर्ष्य उसकी ताकत है और वह यहाँ यानी कि अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वह विशेष रूप से उस तीर्ष्य में अच्छा है, जहाँ वह अपनी पत्नी की जिससे यानी कि चिढ़ जाते हैं और उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। फिल्म सफल रही और देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उसके बाद वह अमिताभ बच्चन और सोनाली बेंद्रे के साथ हिंदुस्तान की कसम में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने निर्देशक मिलन लूथरिया के साथ कच्चे धागे फिल्म में दिखाई दिए, जिसमें सैफ अली खान और मनीषा कोइराला के साथ काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट रही थी। उसके बाद उन्होंने सफल फिल्म होगी प्यार की जीत में एक्शन रोमांटिक कॉमेडी और फिर जो है काजोल और निर्देशक जो है प्रकाश झा के साथ अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम दिल क्या कर रखा गया था। 1999 में उनकी अन्य फिल्में रिलीज हुई थी। गैर यानी कि तकचक फिल्म भी थी, जिसमें जो है उन्होंने एक मजबूत मुख्य व्यक्ति की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। इसके बाद दोस्तों अजय देवगन ने 2000 के दशक में दीवाने फिल्म में अभिनय किया था, यानी कि अजय देवगन ने हैरी बवेजा की दीवाने में अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया।
उस वर्ष अजय देवगन ने अपने पहले होम प्रोडक्शन में अभिनय किया। काजोल के साथ राजू चाचा फिल्म में अभिनय किया था। 2001 में अजय देवगन ने एक और मामूली सफल फिल्म में अभिनय किया, ये रास्ते हैं प्यार के। ये माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के साथ काम किया। मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के साथ उनकी अगली रिलीज मूवी लज्जा फिल्म थी। उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था फिल्म के लिए। हालांकि फिल्म जनता के बीच लोकप्रियता नहीं थी। महेश मांजरेकर की तेरा मेरा साथ रहे फिल्म में इन्होंने फिर से अभिनय किया था। इसके बाद दोस्तों 2002 में अजय देवगन ने फिल्म कंपनी में मुंबई अंडरवर्ल्ड की राम गोपाल वर्मा की काल्पनिक जो है परीक्षा में प्रदर्शन किया। देवगन ने मलिक नाम की एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई। कंपनी और देवगन दोनों के प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। जैसा कि दनन आदर्श ने समीक्षा किया, देवगन अपनी भूमिका को पूर्णता के लिए निभाते हैं। एक नियंत्रित प्रदर्शन अभिनेता इस जटिल और चरित्र को लेते हैं, जैसा जो है मछली पानी में ले जाता है। वह अपने हिस्से को सराहनीय सहजता से रेखांकित करते हैं। देवगन को फिल्म फेयर के नामांकित किया गया था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी दिया गया। अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी डेविड धवन की कॉमेडी हम किसी से कम नहीं में अभिनय किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और ऐश्वर्या राय थे। उस वर्ष उन्होंने राजकुमार संतोषी की बायोपिक द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में अभिनय किया था। इसी तरह उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा। तरुण आदर्श ने कहा, अजय देवगन ने अपनी भूमिका को जिया है और वो कहना है कि उत्कृष्ट है अपने काम में। कल्पना होगा उनका प्रदर्शन जो है पुरस्कार पाने के अलावा, और वहीं पे सिनेमा प्रेमियों से प्रशंसा मिली थी अजय देवगन को। और ये फिल्म 7 जून 2002 को रिलीज हुई। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे जंग फिल्म को, जिसे 1996 में रिलीज किया गया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, आदित्य पंचोली डुअल रोल में नजर आए थे। दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलता है, ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? दोस्तों इन सभी चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। दोस्तों ये फिल्म आपको G5 पे देखने को मिलता है, लेकिन आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। जैसा कि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करें जंग फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, अजय देवगन और उनमें वाणी विश्वनंद और रंभा फिल्म में अभिनय करती हुई दिखाई दी थी। इसी के साथ दोस्तों अन्य सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो सदाशिव, अमर पुरकर और तीनू आनंद और सुजीता मेहता फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो टी रामा राव सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। दोस्तों इस फिल्म के राइटर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी भी टी रामा राव सर ने ही लिखे थे। दोस्तों इस फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो राजीव कुमार एवं आदित्य पंचोली सर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इसी के साथ साथ दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो सप्तारिश फिल्म के बैनर तक इस फिल्म को बनाया गया था। और दोस्तों फिल्म को जी टेलीफिल्म के बैनर तक ये मूवी पूरी दुनिया भर में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको G5 पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोस्तों इस फिल्म के अधिकार G5 के पास रखा गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवीज की कहानी के बारे में बात करेंगे। लाओ दोस्तों इस फिल्म को कहाँ पे शूट किया गया था, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई की थी और इस फिल्म में सबसे पहले कौन से स्टार कास्ट को पसंद किया गया था, उसके बाद कई सारे स्टार कास्ट को ठुकराने के बाद ये फिल्म अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती के पास गई थी। इसके अलावा दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में एसीपी अर्जुन सक्सेना के रूप में ये दिखाई दी है। आदित्य पंचोली के बारे में हम बात कर ले तो इंजन ड्राइवर यानी कि सूरज के रूप में फिल्म में अभिनय किए हैं और इनका एक नकारात्मक भूमिका भी रखा गया है, जो बिल्ला के रूप में ये फिल्म में डुअल रोल में दिखाई दी है। अजय देवगन के बारे में हम बात कर ले तो ये अजय बहादुर सक्सेना के रूप में फिल्म में दिखाई दी है। रंभा के बारे में हम बात करें तो मधु के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी है। दोस्तों इन सभी ने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग किया था और मूवी 1996 की हिट फिल्म रही थी। इसी के साथ दोस्तों बतला दे जंग फिल्म साल 1996 की रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली डबल रोल में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में अजय देवगन, रंभा और सदाशिव अमर पुरकर भी दिखाई दिए थे। दोस्तों फिल्म में सहायक रूप में तीनू आनंद और सुजाता मेहता ने अभिनय किया है। दोस्तों जंग फिल्म में मिथुन और अजय देवगन भाई की भूमिका निभाते हैं वहीं पे, लेकिन परिस्थितियों के कारण न्याय की रक्षा के लिए पुलिस अधिकारी मिथुन को अपने भाई के साथ तलवार चलानी पड़ती है। फिल्म का तीसरा कोण आदित्य पंचोली द्वारा चित्रित की गई है, जो दोहरी भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक भूमिकाओं में ये फिल्म में दिखाई दिए है।
इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, जंग फिल्म के लिए सबसे पहले अर्जुन सक्सेना की भूमिका के लिए पहले संजय दत्त को ऑफर की गई थी, लेकिन दोस्तों बता दें उन्होंने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। फिर निर्माता ने अनिल कपूर से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी अपने किरदार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने मना कर दिया फिल्म में अभिनय करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अजय सक्सेना की भूमिका पहले चंकी पांडे को ऑफर की गई थी, फिर अक्षय कुमार को, लेकिन दोनों अभिनेता ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। अक्षय कुमार ने यह कहा कि एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका का फिल्म में कोई भी लेना देना नहीं है। तो निर्माताओं ने उस भूमिका को फिर निभाने के लिए अजय देवगन को कास्ट किया, लेकिन अर्जुन सक्सेना की भूमिका अभी भी खाली थी। कई बार मना करने के बाद फिल्म निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को मना लिया, लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्होंने खुद को वापस ले लिया फिल्म से। फिर उन्होंने सुनील शेट्टी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी व्यस्त के कारण इस परियोजना को छोड़ दिया और उनकी भी यानी कि कोई भी दिलचस्पी नहीं थी फिल्म में अभिनय करने की। इस रोल के लिए मेकर्स ने मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया, उन्होंने ये कहकर इस रोल को स्वीकार कर लिया कि वो इस तरह का किरदार हमेशा निभाने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में जितने भी संगीत रखे गए हैं नदीम सरवन द्वारा रचित किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। दीवाना दीवाना मुत्तु 1995 के थिलाना थिलाना पर आधारित है। दोस्तों आपको बता दें फिल्म में तीनों स्टार कास्ट को दिखाया गया था। इसमें रंभा फिल्म में अभिनय करते हुए बॉलीवुड की शुरुआत भी की है। दोस्तों आयोग की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों फिल्म में बतलाई गई कहानी आप लोगों को पता ही होगा। अगर आपने इस फिल्म की कहानी को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, दोस्तों फिल्म की शुरुआत में आदित्य पंचोली को भागता हुआ दिखाया गया है। वो क्यों भाग रहे हैं इसका कारण मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती उनका पीछा करते हैं जो फिल्म में इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आए हैं। मिथुन चक्रवर्ती उन्हें एक ट्रेन के ऊपर पकड़ लेते हैं, उसके बाद वापस उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। आदित्य पंचोली लाख मना करते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं कुछ भी यानी कि इसके बारे में नहीं जानता। फिर भी मिथुन चक्रवर्ती उनका कोई भी बात नहीं सुनते, उन्हें जेल के अंदर डाल देते हैं और वो कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें बंद करना है। इसके बाद दोस्तों अगली कार्रवाई जो है अदालत में होती है, जहाँ पे आरोप लगाया गया है आदित्य पंचोली को ऊपर कि इन्होंने सोने की चोरी की है और अपने सारे दोस्तों को मार डाला है। दोस्तों ये एक संगीन जुर्म था जिसकी वजह से इनको फांसी की सजा दी जाती है फिल्म के अंदर। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं राम बेगुनाह होता है, जिसकी वजह से सीता को भी यानी कि उसकी बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को जेल के अंदर डाल दिया गया है और एक को फांसी दे दी गई है। इसी बीच दोस्तों राम की पत्नी गर्भवती होती है जो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद वो वहाँ से हॉस्पिटल से भाग जाती है और अजय देवगन की मिथुन चक्रवर्ती के घर में नौकरानी के रूप में काम करने लगती है। जब उसे ये पता चलता है कि उसके बेटे को इंस्पेक्टर अपने घर उठा के ले गए तो उसे घर में जाके नौकरी करती है और चुपके से उसको दूध भी पिलाती है। ये सब कुछ करते हुए अजय देवगन एक दिन देख लेते हैं। देखने के बाद वो अजय देवगन की अपनी पूरी कहानी बतलाती है। इस कहानी पे अजय देवगन भरोसा कर लेते हैं और उसको वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे पति को जरूर बचाऊंगा। उसके बाद इन दोनों का रिश्ता भाई बहन का हो जाता है फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों ये दोनों भाई बहन मिलकर बहुत सारे ऐसे कारनामे करते हैं फिल्म में अपने पति को बचाने के लिए। अजय देवगन इस आग में कूद पड़ते हैं और चक्रधारी से लड़ते हैं। चक्रधारी को आपने इसमें देखा होगा जो सदाशिव इस किरदार को निभाए हैं। दोस्तों आदित्य पंचोली का डुअल किरदार है बिल्ला के रूप में। बिल्ला को पकड़ने की कई सारे साजिश रची जाती है। ऐसे में दोस्तों फांसी से कुछ दिन पहले ही बिल्ला को बदल दिया जाता है राम से। इसके बाद दोस्तों वहाँ पे राम से बिल्ला को बदलने के बाद बिल्ला पागल हो जाता है। वो बोलता है कि मैं रातों रात यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक फांसी से पहले चक्रधारी उसे हेलीकॉप्टर से बचा लेता है। इसके बाद दोस्तों फिल्म के अंत में बहुत ज्यादा एक्शन होते हैं। बहुत सारी एक्शन होने के बाद अजय देवगन, आदित्य पंचोली और मिथुन चक्रवर्ती तीनों एक साथ होकर लड़ाई करते हैं और गुंडों के ऊपर हावी हो जाते हैं। और फिल्म के अंत में ये पता चल जाता है कि राम का डुअल रोल है जिसका नाम है बिल्ला, जिसने ये सारा कारनामा किया था, सोने को चुराया था और सारे निर्दोष लोगों को मार डाला था। उसके बाद दोस्तों अदालत इसको निर्दोष साबित कर देता है और ये लोग केस जीत लेते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। जी हां फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों ये फिल्म की कहानी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको ऐसी कहानी देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट यानी कि अजय देवगन के बारे में। दोस्तों अजय देवगन ने 1991 में जब अजय देवगन ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो उन्होंने अपना मंच नाम बदल लिया। जन्म के नाम बदल कर उन्होंने विशाल से अजय कर लिया।
अब विशाल से अजय देवगन में बदल दिया, क्योंकि विशाल नाम के कई अन्य अभिनेताओं को उसी समय लॉन्च किया गया था, जिसमें मनोज कुमार का बेटा भी शामिल थे। उन्होंने फूल और कांटे फिल्म से अपनी पेशेवर करियर की शुरुआत की और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने मधु के साथ सह अभिनय किया। फिल्म में अपने शुरुआती दृश्य में अजय देवगन ने दो मोटरसाइकिलों के बीच संतुलन बनाते हुए एक विभाजन किया था। उनकी अगली फिल्म जिगर मूवी रिलीज हुई थी 1992 में। दोस्तों, अजय देवगन की पहली फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी फूल और कांटे। जिगर मूवी 1992 में रिलीज हुई थी, जो करिश्मा कपूर की सह कलाकार बॉलीवुड और मार्शल आर्ट वाली फिल्म थी। ये दिवाली हफ्ता पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ से अधिक की कमाई किया। ये मूवी उस वक्त की वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। साल 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब फिल्म में अभिनय किया, जो एक प्रेम त्रिकोण और बदला जैसे रोमांटिक विषयों के बारे में ये फिल्म था। ये मूवी फिल्म थी जिन्होंने अगली बार दिव्या शक्ति फिर संग्राम में अभिनय किया था, जो संग्राम फिल्म में दो पिताओं के बीच दुश्मनी की कहानी को बतलाया गया। इसके बाद अजय देवगन ने दीपक बहरी के साथ काम किया, जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया था। वहीं पे दीपक पवार के साथ जिन्होंने प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया था, उस वर्ष अन्य रिलीज शक्तिमान, धनवान और विद्यार्थी फिल्म थी। ये सारे फिल्में फिट गई थी बॉक्स ऑफिस पे। 1994 में अजय देवगन ने हैरी बवेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया था। उन्होंने वैदिक जो है यानी कि दुर्बलता वाले व्यक्ति की अरुण सक्सेना की भूमिका फिल्म में निभाई। फिल्म साल की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म थी। इसके बाद दोस्तों, अजय देवगन ने अगली बार रिलीज कानून फिल्म में अभिनय किया। अक्षय कुमार के साथ कोहली की सुहाग फिल्म में फिर से काम किया और सुहाग मूवी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अक्षय कुमार के साथ कोहली के साथ इस फिल्म में अभिनय किया। फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी। अजय देवगन ने अजय शर्मा की भूमिका निभाई और वीपी मल्होत्रा की भूमिका निभाई थी। यहाँ पे सुहाग साल की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म विजय पथ फिल्म थी, जो विजय पथ की शूटिंग जो है तारिक करण अर्जुन के साथ टकराई, जिसे अजय देवगन ने मना कर दिया था। विजय पथ साल की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म साबित हुआ। इसी तरह दोस्तों, साल 1995 में अजय देवगन महेश भट्ट की फिल्म नचाएज और फिर जो है मिलन लूथरिया द्वारा निर्देशित की गई हलचल में दिखाई दिए। काजोल ने सह अभिनय किया था। इसके बाद अजय देवगन काजोल गुंडा राज में फिर से दिखाई दिए दोनों, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनकी अगली फिल्म रिलीज हुई हकीकत मूवी थी, जिसमें तब्बू ने सह अभिनय किया था। ये फिल्म साल की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1996 में देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती रंभा और आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया, जिसके रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। उनकी अगली रिलीज मूवी जान नामक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जो ट्विंकल खन्ना के साथ। इसके बाद उन्होंने हैरी बवेजा की फिल्म दिल जल में अभिनय किया, जहां उन्होंने साका नामक एक आतंकवादी का किरदार फिल्म के अंदर निभाया था। इसी तरह दोस्तों, अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्म इतिहास में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज मूवी इंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इश्क फिल्म थी, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और काजोल थे। इस साल की फिल्म में अजय देवगन ने अजय की भूमिका निभाई, जो एक अमीर लड़के को एक गरीब लड़की काजोल से प्यार करता है। फिल्म ने 30 करोड़ यानी कि यूएसए में कन्वर्ट कर 3.8 मिलियन की कमाई किया। ये फिल्म साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। 1998 में अजय देवगन ने महेश भट्ट के नाटक जखम फिल्म में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जो है प्रदर्शन किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। 1999 में हम दिल दे चुके सनम में अभिनय किए थे अजय देवगन ने। दोस्तों, फिल्म के अंदर अजय देवगन नवराज की भूमिका निभाई, एक आदमी जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। इसके बाद अजय देवगन ने अमिताभ बच्चन और वहीं पे सोनाली बेंद्रे के साथ मेजर साहब फिल्म में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक सेना अधिकारी की भूमिका निभाई। फिल्म सफल रही और साल की दसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इसके बाद उन्होंने अनीस बजनी की दूसरी फिल्म रोमांटिक कॉमेडी प्यार तो होना ही था में काजोल के साथ अभिनय किया था। 1995 की अमेरिकी फिल्म फ्रेंच चाइनीजी की रिमेक मूवी थी। इसने 30 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जो 3.8 मिलियन की डॉलर में कमाई की। अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी महेश भट्ट की जखम फिल्म थी।
दोस्तों फिल्म की कहानी प्लॉट दंगों के दौरान मुंबई में शबरा दाईक तनाव की जांच करता है। देवगन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो धार्मिक संघर्ष से तंग आ चुका है। देवगन ने अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 1999 में अजय देवगन ने रोमांटिक ड्रामा हम दिल दे चुके शर्म फिल्म में सलमान खान के साथ अभिनय किए थे। दोस्तों फिल्म में अजय देवगन ने ऐसी भूमिका निभाई थी जो अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को उसके प्रेमी सलमान खान के साथ पूर्ण मिलन में मदद करने की कोशिश करता है। हम दिल दे चुके सनम ने अजय देवगन के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। फिल्म मैत्री देवी की बंगाली उपन्यासना हान्या का रूपांतरण फिल्म था। संजय लीला भंसाली धारा ने निर्देशित की गई और सह अभिनीत की गई सलमान खान और ऐश्वर्या राय इसमें नजर आई थी। देवगन को उनके प्रदर्शन के लिए काफी सराहा गया। रेडिफ ने कहा, अजय की भूमिका आपको एक और फिल्म का याद दिलाता है जिसका नाम प्यार तो होना ही रखा गया था, और वहाँ वह उस लड़की के प्रेमी की तलाश कर रहे होते हैं जिसे वह चुपके से प्यार करते हैं, लेकिन गहन तीर से उसकी ताकत है और वह यहाँ यानी कि अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वह विशेष रूप से उस दृश्य में अच्छा है जहाँ वह अपनी पत्नी की जिससे यानी कि चिढ़ जाते हैं और उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। फिल्म सफल रही और देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उसके बाद वह अमिताभ बच्चन और सोनाली बेंद्रे के साथ हिंदुस्तान की कसम में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने निर्देशक मिया लुथरिया के साथ कच्चे धागे फिल्म में दिखाई दिए जिसमें सैफ अली खान और मनीषा कोइराला के साथ काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट रही थी। उसके बाद उन्होंने सफल फिल्म होगी प्यार की जीत में एक्शन, रोमांटिक कॉमेडी और फिर जो है काजोल और निर्देशक जो है प्रकाश झा के साथ अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम दिल क्या कर रखा गया था। 1999 में उनकी अन्य फिल्में रिलीज हुई थी। गैर यानी कि तक्षक फिल्म थी जिसमें जो है उन्होंने एक मजबूत मुख्य व्यक्तित्व की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। इसके बाद दोस्तों अजय देवगन ने 2000 के दशक में दीवाने फिल्म में अभिनय किया था, यानी कि अजय देवगन ने हैरी बवेजा की दीवाने में अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उस वर्ष अजय देवगन ने अपने पहले होम प्रोडक्शन में अभिनय किया, काजोल के साथ राजू चाचा फिल्म में अभिनय किया था। 2001 में अजय देवगन ने एक और मामूली सफल फिल्म में अभिनय किया, ये रास्ते हैं प्यार के। ये माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के साथ काम किया। मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के साथ उनकी अगली रिलीज मूवी लज्जा फिल्म थी। उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था फिल्म के लिए। हालांकि फिल्म जनता के बीच लोकप्रियता नहीं थी। महेश मांजरेकर की तेरा मेरा साथ रहे फिल्म में इन्होंने फिर से अभिनय किया था। इसके बाद दोस्तों 2002 में अजय देवगन ने फिल्म कंपनी में मुंबई अंडरवर्ल्ड की राम गोपाल वर्मा की काल्पनिक जो है परीक्षा में प्रदर्शन किया। देवगन ने मलिक नाम की एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई। कंपनी और देवगन दोनों के प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। जैसा कि दलन आदर्श ने समीक्षा किया, देवगन अपनी भूमिका को पूर्णता के लिए निभाते हैं। एक नियंत्रित प्रदर्शन अभिनेता इस जटिल और चरित्र को लेते हैं जैसा जो है मछली पानी में ले जाता है। वह अपने हिस्से को सराहनीय सहजता से रेखांकित करते हैं। देवगन को फिल्म फेयर के नामांकित किया गया था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी दिया गया। अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी डेविड धवन की कॉमेडी हम किसी से कम नहीं में अभिनय किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और ऐश्वर्या राय थे। उस वर्ष उन्होंने राजकुमार संतोषी की बायोपिक द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में अभिनय किया था। इसी तरह उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा। करण आदर्श ने कहा, अजय देवगन ने अपनी भूमिका को जिया है और वो कहना है कि उत्कृष्ट है अपने काम में। कल्पना होगा उनका प्रदर्शन जो पुरस्कार पाने के अलावा और वहीं पे सिनेमा प्रेमियों से प्रशंसा मिली थी अजय देवगन को, और ये फिल्म 7 जून 2002 को रिलीज हुई। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे जंग फिल्म को जिसे 1996 में रिलीज किया गया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, आदित्य पंचोली डुअल रोल में नजर आए थे। दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलता है, ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों इन सभी चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। दोस्तों ये फिल्म आपको G5 पे देखने को मिलता है, लेकिन आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन
लेना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। जैसा कि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करें जंग फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, अजय देवगन और उनमें वाणी विश्वनाथन और रंभा फिल्म में अभिनय करती हुई दिखाई दी थी। इसी के साथ दोस्तों अन्य सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो सदाशिव, अमर पुरकर और तीनू आनंद और सुजीता मेहता फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो टी रामाराव सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। दोस्तों इस फिल्म के राइटर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी भी टी रामाराव सर ने ही लिखे थे। दोस्तों इस फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो राजीव कुमार एवं आदित्य पंचोली सर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इसी के साथ साथ दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो सप्तारिश फिल्म के बैनर तहत इस फिल्म को बनाया गया था और दोस्तों फिल्म को जी टेलीफिल्म के बैनर तहत ये मूवी पूरी दुनिया भर में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको G5 पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोस्तों इस फिल्म के अधिकार G5 के पास रखा गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवीज की कहानी के बारे में बात करेंगे। लाओ दोस्तों इस फिल्म को कहाँ पे शूट किया गया था, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई की थी और इस फिल्म में सबसे पहले कौन से स्टार कास्ट को पसंद किया गया था, उसके बाद कई सारे स्टार कास्ट को ठुकराने के बाद ये फिल्म अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती के पास गई थी। इसके अलावा दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में एसीपी अर्जुन सक्सेना के रूप में ये दिखाई दी है। आदित्य पंचोली के बारे में हम बात कर ले तो इंजन ड्राइवर यानी कि सूरज के रूप में फिल्म में अभिनय किए हैं और इनका एक नकारात्मक भूमिका भी रखा गया है जो बिल्ला के रूप में ये फिल्म में डुअल रोल में दिखाई दी है। अजय देवगन के बारे में हम बात कर ले तो ये अजय बहादुर सक्सेना के रूप में फिल्म में दिखाई दिए है। रंभा के बारे में हम बात करें तो मधु के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी है। दोस्तों इन सभी ने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग किया था और मूवी 1996 की हिट फिल्म रही थी। इसी के साथ दोस्तों बतला दे जंग फिल्म साल 1996 की रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली डबल रोल में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में अजय देवगन, रंभा और सदाशिव अमर पुरकर भी दिखाई दिए थे। दोस्तों फिल्म में सहायक रूप में तीनू आनंद और सुजाता मेहता ने अभिनय किया है। दोस्तों जंग फिल्म में मिथुन और अजय देवगन भाई की भूमिका निभाते हैं वही पे, लेकिन परिस्थितियों के कारण नायक की रक्षा के लिए पुलिस अधिकारी मिथुन को अपने भाई के साथ तलवार चलानी पड़ती है। फिल्म का तीसरा कोण आदित्य पंचोली द्वारा चित्रित की गई है जो दोहरी भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक भूमिकाओं में ये फिल्म में दिखाई दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बतला दे जंग फिल्म के लिए सबसे पहले अर्जुन सक्सेना की भूमिका के लिए पहले संजय दत्त को ऑफर की गई थी, लेकिन दोस्तों बतला दे उन्होंने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। फिर निर्माता ने अनिल कपूर से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी अपने किरदार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने मना कर दिया फिल्म में अभिनय करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अजय सक्सेना की भूमिका पहले चंकी पांडे को ऑफर की गई थी, फिर अक्षय कुमार को, लेकिन दोनों अभिनेता ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। अक्षय कुमार ने ये कहा कि एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका का फिल्म में कोई भी लेना देना नहीं है। तो निर्माताओं ने उस भूमिका को फिर निभाने के लिए अजय देवगन को कास्ट किया, लेकिन अर्जुन सक्सेना की भूमिका अभी भी खाली थी। कई बार मना करने के बाद फिल्म निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को मना लिया, लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्होंने खुद को वापस ले लिया फिल्म से। फिर उन्होंने सुनील शेट्टी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी व्यस्त के कारण इस परियोजना को छोड़ दिया और उनकी भी यानी कि कोई भी दिलचस्पी नहीं थी फिल्म में अभिनय करने की। इस रोल के लिए मेकर्स ने मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया, उन्होंने ये कहकर इस रोल को स्वीकार कर लिया कि वो इस तरह का किरदार हमेशा निभाने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में जितने भी संगीत रखे गए हैं नदीम सरवन द्वारा रचित किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। दीवाना दीवाना मुत्तू 1995 के थिलाना थिलाना पर आधारित है। दोस्तों आपको बतला दें फिल्म में तीनों स्टार कास्ट को दिखाया गया था। इसमें रंभा फिल्म में अभिनय करते हुए बॉलीवुड की शुरुआत भी की है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों फिल्म में बतलाई गई कहानी आप लोगों को पता ही होगा। अगर आपने इस फिल्म की कहानी को नहीं जाना
जानते हैं तो मैं आपको बता दूं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में आदित्य पंचोली को भागता हुआ दिखाया गया है, वो क्यों भाग रहे हैं इसका कारण मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती उनका पीछा करते हैं जो फिल्म में इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आए हैं। मिथुन चक्रवर्ती उन्हें एक ट्रेन के ऊपर पकड़ लेते हैं, उसके बाद वापस उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। आदित्य पंचोली लाख मना करते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं कुछ भी यानी कि इसके बारे में नहीं जानता। फिर भी मिथुन चक्रवर्ती उनका कोई भी बात नहीं सुनते, उन्हें जेल के अंदर डाल देते हैं और वो कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें बंद करना है। इसके बाद दोस्तों अगली कार्रवाई जो है अदालत में होती है, जहाँ पे आरोप लगाया गया है आदित्य पंचोली के ऊपर कि इन्होंने सोने की चोरी की है और अपने सारे दोस्तों को मार डाला है। दोस्तों ये एक संगीन जुर्म था जिसकी वजह से इनको फांसी की सजा दी जाती है फिल्म के अंदर। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं राम बेगुनाह होता है, जिसकी वजह से सीता को भी यानी कि उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को जेल के अंदर डाल दिया गया है और एक को फांसी दे दी गई है। इसी बीच दोस्तों राम की पत्नी गर्भवती होती है जो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद वो वहाँ से हॉस्पिटल से भाग जाती है और अजय देवगन यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के घर में नौकरानी के रूप में काम करने लगती है। जब उसे ये पता चलता है कि उसके बेटे को इंस्पेक्टर अपने घर उठा के ले गए, तो उसे घर में जाके नौकरी करती है और चुपके से उसको दूध भी पिलाती है। ये सब कुछ करते हुए अजय देवगन एक दिन देख लेते हैं। देखने के बाद वो अजय देवगन की अपनी पूरी कहानी बतलाती है। इस कहानी पे अजय देवगन भरोसा कर लेते हैं और उसको वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे पति को जरूर बचाऊंगा। उसके बाद इन दोनों का रिश्ता भाई बहन का हो जाता है फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों ये दोनों भाई बहन मिलकर बहुत सारे ऐसे कारनामे करते हैं फिल्म में अपने पति को बचाने के लिए। अजय देवगन इस आग में कूद पड़ते हैं और चक्रधारी से लड़ते हैं। चक्रधारी को आपने इसमें देखा होगा जो सदाशिव इस किरदार को निभाए हैं। दोस्तों आदित्य पंचोली का डुअल किरदार है बिल्ला के रूप में। बिल्ला को पकड़ने की कई सारे साजिश रची जाती है। ऐसे में दोस्तों फांसी से कुछ दिन पहले ही बिल्ला को बदल दिया जाता है राम से। इसके बाद दोस्तों वहाँ पे राम से बिल्ला को बदलने के बाद बिल्ला पागल हो जाता है। वो बोलता है कि मैं रातों रात यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक फांसी से पहले चक्रधारी उसे हेलीकॉप्टर से बचा लेता है। इसके बाद दोस्तों फिल्म के अंत में बहुत ज्यादा एक्शन होते हैं। बहुत सारी एक्शन होने के बाद अजय देवगन, आदित्य पंचोली और मिथुन चक्रवर्ती तीनों एक साथ होकर लड़ाई करते हैं और गुंडों के ऊपर हावी हो जाते हैं। और फिल्म के अंत में ये पता चल जाता है कि राम का डुअल रोल है जिसका नाम है बिल्ला, जिसने ये सारा कारनामा किया था, सोने को चुराया था और सारे निर्दोष लोगों को मार डाला था। उसके बाद दोस्तों अदालत इसको निर्दोष साबित कर देता है और ये लोग केस जीत लेते हैं और इसके साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। जी फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों ये फिल्म की कहानी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको ऐसी कहानी देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार का यानी कि अजय देवगन के बारे में। दोस्तों अजय देवगन ने 1991 में जब अजय देवगन ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो उन्होंने अपना मंच नाम बदल लिया। जन्म के नाम बदल कर उन्होंने विशाल से अजय कर लिया। अब विशाल से अजय देवगन में बदल दिया क्योंकि विशाल नाम के कई अन्य अभिनेताओं को उसी समय लॉन्च किया गया था, जिसमें मनोज कुमार का बेटा भी शामिल थे। उन्होंने फूल और कांटे फिल्म से अपनी पेशेवर करियर की शुरुआत की और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने मधु के साथ सह अभिनय किया। फिल्म में अपने शुरुआती दृश्य में अजय देवगन ने दो मोटरसाइकिलों के बीच संतुलन बनाते हुए एक विभाजन किया था। उनकी अगली फिल्म जिगर मूवी रिलीज हुई थी 1992 में। दोस्तों अजय देवगन की पहली फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी फूल और कांटे। जिगर मूवी 1992 में रिलीज हुई थी जो करिश्मा कपूर की सह कलाकार बॉलीवुड और मार्शल आर्ट वाली फिल्म थी। ये दिवाली हफ्ता पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ से अधिक की कमाई किया। ये मूवी उस वक्त की वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। साल 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब फिल्म में अभिनय किया जो एक प्रेम त्रिकोण और बदला जैसे रोमांटिक विषयों के बारे में ये फिल्म था। ये मूवी फिल्म थी जिन्होंने अगली बार दिव्या शक्ति फिर संग्राम में अभिनय किया था, जो संग्राम फिल्म में दो पिताओं के बीच दुश्मनी की कहानी को बतलाया गया। इसके बाद अजय देवगन ने दीपक बहरी के साथ काम किया जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया था। वहीं पे दीपक पवार के साथ जिन्होंने प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया था उस वर्ष अन्य रिलीज शक्तिमान धनवान और बिदर्दी फिल्म थी। ये सारे फिल्में पिट गई थी बॉक्स ऑफिस पे। 1994 में अजय देवगन ने हैरी बवेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया था। उन्होंने वैदिक जो है यानी कि दुर्बलता वाले व्यक्तित्व की अरुण सक्सेना की भूमिका फिल्म में निभाई। फिल्म साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म थी।
इसके बाद दोस्तों अजय देवगन ने अगली बार रिलीज कानून फिल्म में अभिनय किया। अक्षय कुमार के साथ कुकु कोहली की सुहाग फिल्म में फिर से काम किया और सुहाग मूवी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अक्षय कुमार के साथ कुकु कोहली के साथ इस फिल्म में अभिनय किया। फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी। अजय देवगन ने अजय शर्मा की भूमिका निभाई और वीपी मल्होत्रा की भूमिका निभाई थी। यहाँ पे सुहाग साल की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म विजय पथ फिल्म थी, जो विजय पथ की शूटिंग जो है तारिक करण अर्जुन के साथ टकराई, जिसे अजय देवगन ने मना कर दिया था। विजय पथ साल की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म साबित हुआ। इसी तरह दोस्तों साल 1995 में अजय देवगन महेश भट्ट की फिल्म नचायज और फिर जो है मिलन लोथरियाधारा निर्देशित की गई हलचल में दिखाई दिए। काजोल ने सह अभिनय किया था। इसके बाद अजय देवगन काजोल गुंडा राज में फिर से दिखाई दिए दोनों, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनकी अगली फिल्म रिलीज हुई हकीकत मूवी थी, जिसमें तब्बू ने सह अभिनय किया था। ये फिल्म साल की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1996 में देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती रंभा और आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया, जिसके रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। उनकी अगली रिलीज मूवी जान नामक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जो ट्विंकल खन्ना के साथ। इसके बाद उन्होंने हैरी बवेजा की फिल्म दिल जल में अभिनय किया, जहाँ उन्होंने साका नामक एक आतंकवादी का किरदार फिल्म के अंदर निभाया था। इसी तरह दोस्तों अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्म इतिहास में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज मूवी इंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इस फिल्म थी, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और काजोल थे। इस साल की फिल्म में अजय देवगन ने अजय की भूमिका निभाई, जो एक अमीर लड़के को एक गरीब लड़की काजोल से प्यार करता है। फिल्म ने 30 करोड़ यानी कि यूएसए में कन्वर्ट कर 3.8 मिलियन की कमाई किया। ये फिल्म साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। 1998 में अजय देवगन ने महेश भट्ट के नाटक जखम फिल्म में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जो है प्रदर्शन किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। 1999 में हम दिल दे चुके सनम में अभिनय किए थे अजय देवगन ने। दोस्तों फिल्म के अंदर अजय देवगन नवराज की भूमिका निभाई, एक आदमी जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। इसके बाद अजय देवगन ने अमिताभ बच्चन और वहीं पे सोनाली बेंद्रे के साथ मेजर साहब फिल्म में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक सेना अधिकारी की भूमिका निभाई। फिल्म सफल रही और साल की दसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इसके बाद उन्होंने अनीस बच्चन की दूसरी फिल्म रोमांटिक कॉमेडी प्यार तो होना ही था में काजोल के साथ अभिनय किया था। 1995 की अमेरिकी फिल्म फ्रेंच चाइनीजी की रिमेक मूवी थी। इसने 30 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जो 3.8 मिलियन की डॉलर में कमाई की। अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी महेश भट्ट की जखम फिल्म थी। दोस्तों फिल्म की कहानी प्लॉट दंगों के दौरान मुंबई में सांप्रदायिक तनाव की जांच करता है। देवगन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो धार्मिक संघर्ष से तंग आ चुका है। देवगन ने अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 1999 में अजय देवगन ने रोमांटिक ड्रामा हम दिल दे चुके सनम फिल्म में सलमान खान के साथ अभिनय किए थे। दोस्तों फिल्म में अजय देवगन ने कैसी भूमिका निभाई थी, जो अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को उसके प्रेमी सलमान खान के साथ पूर्ण मिलन में मदद करने की कोशिश करता है। हम दिल दे चुके सनम ने अजय देवगन के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। फिल्म मैत्री देवी की बंगाली उपन्यासना हान्या का रूपांतरण फिल्म था। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित की गई और सह अभिनीत की गई सलमान खान और ऐश्वर्या राय इसमें नजर आई थी। देवगन को उनके प्रदर्शन के लिए काफी सराहा गया। रेडिफ ने कहा, अजय की भूमिका आपको एक और फिल्म का याद दिलाता है, जिसका नाम प्यार तो होना ही रखा गया था, और वहाँ वह उस लड़की के प्रेमी की तलाश कर रहे होते हैं, जिसे वह चुपके से प्यार करते हैं, लेकिन गहन दृश्य उसकी ताकत है और वह यहाँ यानी कि अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वह विशेष रूप से उस दृश्य में अच्छा है जहाँ वह अपनी पत्नी की जिससे यानी कि चिढ़ जाते हैं और उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। फिल्म सफल रही और देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उसके बाद वह अमिताभ बच्चन और सोनाली बेंद्रे के साथ हिंदुस्तान की कसम में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने निर्देशक मिलन लोथरिया के साथ कच्चे धागे फिल्म में दिखाई दिए।
जिसमें सैफ अली खान और मनीषा कोइराला के साथ काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट रही थी। उसके बाद उन्होंने सफल फिल्म होगी प्यार की जीत में एक्शन, रोमांटिक कॉमेडी और फिर जो है काजोल और निर्देशक जो है प्रकाश झा के साथ अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम दिल क्या कर रखा गया था। 1999 में उनकी अन्य फिल्में रिलीज हुई थी, गैर यानी कि तक्षक फिल्म भी थी जिसमें जो है उन्होंने एक मजबूत मुख्य व्यक्तित्व की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। इसके बाद दोस्तों अजय देवगन ने 2000 के दशक में दीवाने फिल्म में अभिनय किया था, यानी कि अजय देवगन ने हैरी बवेजा की दीवाने में अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उस वर्ष अजय देवगन ने अपने पहले होम प्रोडक्शन में अभिनय किया, काजोल के साथ राजू चाचा फिल्म में अभिनय किया था। 2001 में अजय देवगन ने एक और मामूली सफल फिल्म में अभिनय किया, ये रास्ते हैं प्यार के। ये माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के साथ काम किया। मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के साथ उनकी अगली रिलीज मूवी लज्जा फिल्म थी। उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था फिल्म के लिए। हालांकि फिल्म जनता के बीच लोकप्रियता नहीं थी। महेश मंजरेकर की तेरा मेरा साथ रहे फिल्म में इन्होंने फिर से अभिनय किया था। इसके बाद दोस्तों 2002 में अजय देवगन ने फिल्म कंपनी में मुंबई अंडरवर्ल्ड की राम गोपाल वर्मा की काल्पनिक जो है परीक्षा में प्रदर्शन किया। देवगन ने मलिक नाम की एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई। कंपनी और देवगन दोनों के प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। जैसा कि दनन आदर्श ने समीक्षा किया, देवगन अपनी भूमिका को पूर्णता के लिए निभाते हैं। एक नियंत्रित प्रदर्शन अभिनेता इस जटिल और चरित्र को लेते हैं जैसा जो है मछली पानी में ले जाता है। वह अपने हिस्से को सराहनीय सहजता से रेखांकित करते हैं। देवगन को फिल्म फेयर के नामांकित किया गया था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी दिया गया। अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी डेविड धवन की कॉमेडी हम किसी से कम नहीं में अभिनय किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और ऐश्वर्या राय थे। उस वर्ष उन्होंने राजकुमार संतोषी की बायोपिक द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में अभिनय किया था। इसी तरह उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा। तरुण आदर्श ने कहा, अजय देवगन ने अपनी भूमिका को जिया है और वो कहना है कि उत्कृष्ट है अपने काम में। कल्पना होगा उनका प्रदर्शन जो पुरस्कार पाने के अलावा और वहीं पे सिनेमा प्रेमियों से प्रशंसा मिली थी अजय देवगन को। और ये फिल्म 7 जून 2002 को रिलीज हुई। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे जंग फिल्म को, जिसे 1996 में रिलीज किया गया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, आदित्य पंचोली डुअल रोल में नजर आए थे। दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलता है, ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों इन सभी चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। दोस्तों ये फिल्म आपको G5 पे देखने को मिलता है, लेकिन आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। जैसा कि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करें जंग फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, अजय देवगन और उनमें वाणी विश्वनाथन और रंभा फिल्म में अभिनय करती हुई दिखाई दी थी। इसी के साथ दोस्तों अन्य सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो सदाशिव, अमर पुरकर और तीनू आनंद और सुजीता मेहता फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो टी रामा राव सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। दोस्तों इस फिल्म के राइटर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी भी टी रामा राव सर ने ही लिखे थे। दोस्तों इस फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो राजीव कुमार एवं आदित्य पंचोली सर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इसी के साथ साथ दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो सप्तारिश फिल्म के बैनर तहत इस फिल्म को बनाया गया था। और दोस्तों फिल्म को जी टेलीफिल्म के बैनर तहत ये मूवी पूरी दुनिया भर में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको G5 पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोस्तों इस फिल्म के अधिकार G5 के पास रखा गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करेंगे। लाओ दोस्तों इस फिल्म को कहाँ पे शूट किया गया था, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कितने कमाई की थी और इस फिल्म में सबसे पहले कौन से स्टार कास्ट को पसंद किया गया था। उसके बाद कई सारे स्टार कास्ट को ठुकराने के बाद ये फिल्म अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती के पास गई थी। इसके अलावा दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में एसीपी अर्जुन सक्सेना के रूप में ये दिखाई दी है। आदित्य पंचोली के बारे में हम बात कर ले तो इंजन ड्राइवर यानी कि सूरज के रूप में फिल्म में अभिनय किए हैं और इनका एक नकारात्मक भूमिका भी रखा गया है, जो बिल्ला के रूप में ये फिल्म में डुअल रोल में दिखाई दी है। अजय देवगन के बारे में हम बात कर ले तो ये अजय बहादुर सक्सेना के रूप में फिल्म में दिखाई दी है। रंभा के बारे में हम बात करें तो मधु के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी है। दोस्तों इन सभी ने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग किया था और मूवी 1996 की हिट फिल्म रही थी।
इसी के साथ दोस्तों बता दें, जंग फिल्म साल 1996 की रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली डबल रोल में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में अजय देवगन, रंभा और सदाशिव अमर पुरकर भी दिखाई दिए थे। दोस्तों फिल्म में सहायक रूप में टीनू आनंद और सुजाता मेहता ने अभिनय किया है। दोस्तों जंग फिल्म में मिथुन और अजय देवगन भाई की भूमिका निभाते हैं। वहीं पे लेकिन परिस्थितियों के कारण नायक की रक्षा के लिए पुलिस अधिकारी मिथुन को अपने भाई के साथ तलवार चलानी पड़ती है। फिल्म का तीसरा कोण आदित्य पंचोली द्वारा चित्रित की गई है, जो दोहरी भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए हैं। एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक भूमिकाओं में ये फिल्म में दिखाई दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, जंग फिल्म के लिए सबसे पहले अर्जुन सक्सेना की भूमिका के लिए पहले संजय दत्त को ऑफर की गई थी, लेकिन दोस्तों बता दें उन्होंने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। फिर निर्माता ने अनिल कपूर से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी अपने किरदार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने मना कर दिया फिल्म में अभिनय करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अजय सक्सेना की भूमिका पहले चंकी पांडे को ऑफर की गई थी, फिर अक्षय कुमार को, लेकिन दोनों अभिनेता ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। अक्षय कुमार ने यह कहा कि एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका का फिल्म में कोई भी लेना देना नहीं है। तो निर्माताओं ने उस भूमिका को फिर निभाने के लिए अजय देवगन को कास्ट किया, लेकिन अर्जुन सक्सेना की भूमिका अभी भी खाली थी। कई बार मना करने के बाद फिल्म निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को मना लिया, लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्होंने खुद को वापस ले लिया फिल्म से। फिर उन्होंने सुनील शेट्टी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी व्यस्त के कारण इस परियोजना को छोड़ दिया और उनकी भी यानी कि कोई भी दिलचस्पी नहीं थी फिल्म में अभिनय करने की। इस रोल के लिए मेकर्स ने मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया। उन्होंने ये कहकर इस रोल को स्वीकार कर लिया कि वो इस तरह का किरदार हमेशा निभाने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में जितने भी संगीत रखे गए हैं नदीम सरवन द्वारा रचित किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। दीवाना दीवाना मुत्तु 1995 के थिलाना थिलाना पर आधारित है। दोस्तों आपको बता दें फिल्म में तीनों स्टार कास्ट को दिखाया गया था। इसमें रंभा फिल्म में अभिनय करते हुए बॉलीवुड की शुरुआत भी की है। दोस्तों आयोग की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों फिल्म में बतलाई गई कहानी आप लोगों को पता ही होगा। अगर आपने इस फिल्म की कहानी को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बतला दूं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में आदित्य पंचोली को भागता हुआ दिखाया गया है। वो क्यों भाग रहे हैं इसका कारण मैं आपको बाद में बतला दूंगा। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती उनका पीछा करते हैं, जो फिल्म में इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आए हैं। मिथुन चक्रवर्ती उन्हें एक ट्रेन के ऊपर पकड़ लेते हैं, उसके बाद वापस उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। आदित्य पंचोली लाख मना करते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं कुछ भी यानी कि इसके बारे में नहीं जानता। फिर भी मिथुन चक्रवर्ती उनका कोई भी बात नहीं सुनते, उन्हें जेल के अंदर डाल देते हैं और वो कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें बंद करना है। इसके बाद दोस्तों अगली कार्रवाई जो है अदालत में होती है, जहाँ पे आरोप लगाया गया है आदित्य पंचोली को ऊपर कि इन्होंने सोने की चोरी की है और अपने सारे दोस्तों को मार डाला है। दोस्तों ये एक संगीन जुर्म था जिसके वजह से इनको फांसी की सजा दी जाती है फिल्म के अंदर। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं राम बेगुनाह होता है, जिसके वजह से सीता को भी यानी कि उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को जेल के अंदर डाल दिया गया है और एक को फांसी दे दी गई है। इसी बीच दोस्तों राम की पत्नी गर्भवती होती है, जो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद वो वहाँ से हॉस्पिटल से भाग जाती है और अजय देवगन यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के घर में नौकरानी के रूप में काम करने लगती है। जब उसे ये पता चलता है कि उसके बेटे को इंस्पेक्टर अपने घर उठा के ले गए, तो उसे घर में जाके नौकरी करती है और चुपके से उसको दूध भी पिलाती है। ये सब कुछ करते हुए अजय देवगन एक दिन देख लेते हैं। देखने के बाद वो अजय देवगन की अपनी पूरी कहानी बतलाती है। इस कहानी पे अजय देवगन भरोसा कर लेते हैं और उसको वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे पति को जरूर बचाऊंगा। उसके बाद इन दोनों का रिश्ता भाई बहन का हो जाता है फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों ये दोनों भाई बहन मिलकर बहुत सारे ऐसे कारनामे करते हैं फिल्म में अपने पति को बचाने के लिए। अजय देवगन इस आग में कूद पड़ते हैं और चक्रधारी से लड़ते हैं। चक्रधारी को आपने इसमें देखा होगा, जो सदाशिव इस किरदार को निभाए हैं। दोस्तों आदित्य पंचोली का डुअल किरदार है बिल्ला के रूप में। बिल्ला को पकड़ने की कई सारी साजिश रची जाती है। ऐसे में दोस्तों फांसी से कुछ दिन पहले ही बिल्ला को बदल दिया जाता है राम से। इसके बाद दोस्तों वहाँ पे राम से बिल्ला को बदलने के बाद बिल्ला पागल हो जाता है। वो बोलता है कि मैं रातों रात यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक फांसी से पहले चक्रधारी उसे हेलीकॉप्टर से बचा लेता है। इसके बाद दोस्तों फिल्म के अंत में बहुत ज्यादा एक्शन होते हैं।
बहुत सारी एक्शन होने के बाद अजय देवगन, आदित्य पंचोली और मिथुन चक्रवर्ती तीनों एक साथ होकर लड़ाई करते हैं और गुंडों के ऊपर हावी हो जाते हैं। और फिल्म के अंत में ये पता चल जाता है कि राम का डुअल रोल है जिसका नाम है बिल्ला, जिसने ये सारा कारनामा किया था, सोने को चुराया था और सारे निर्दोष लोगों को मार डाला था। उसके बाद दोस्तों अदालत इसको निर्दोष साबित कर देता है और ये लोग केस जीत लेते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। जी हां फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, ये फिल्म की कहानी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको ऐसी कहानी देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट यानी कि अजय देवगन के बारे में। दोस्तों अजय देवगन ने 1991 में जब अजय देवगन ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो उन्होंने अपना मंच नाम बदल लिया, जन्म के नाम बदल कर उन्होंने विशाल से अजय कर लिया। अब विशाल से अजय देवगन में बदल दिया क्योंकि विशाल नाम के कई अन्य अभिनेताओं को उसी समय लॉन्च किया गया था, इसमें मनोज कुमार का बेटा भी शामिल थे। उन्होंने फूल और कांटे फिल्म से अपनी पेशेवर करियर की शुरुआत की और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने मधु के साथ सह अभिनय किया। फिल्म में अपने शुरुआती दृश्य में अजय देवगन ने दो मोटरसाइकिलों के बीच संतुलन बनाते हुए एक विभाजन किया था। उनकी गलती उनकी अगली फिल्म जिगर मूवी रिलीज हुई थी 1992 में। दोस्तों अजय देवगन की पहली फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी फूल और कांटे। जिगर मूवी 1992 में रिलीज हुई थी जो करिश्मा कपूर की सह कलाकार बॉलीवुड और मार्शल आर्ट वाली फिल्म थी। ये दिवाली हफ्ता पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ से अधिक की कमाई किया। ये मूवी उस वक्त की वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। साल 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब फिल्म में अभिनय किया जो एक प्रेम त्रिकोण और बदला जैसे रोमांटिक विषयों के बारे में ये फिल्म था। ये मूवी फिल्म थी जिन्होंने अगली बार दिव्या शक्ति फिर संग्राम में अभिनय किया था, जो संग्राम फिल्म में दो पिताओं के बीच दुश्मनी की कहानी को बतलाया गया। इसके बाद अजय देवगन ने दीपक बहरी के साथ काम किया जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया था। वहीं पे दीपक पवार के साथ जिन्होंने प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया था उस वर्ष अन्य रिलीज शक्तिमान धनवान और बिदर्दी फिल्म थी। ये सारी फिल्में पिट गई थी बॉक्स ऑफिस पे। 1994 में अजय देवगन ने हैरी बवेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया था। उन्होंने वैदिक जो है यानी कि दुर्बलता वाले व्यक्ति की अरुण सक्सेना की भूमिका फिल्म में निभाई। फिल्म साल के 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म थी। इसके बाद दोस्तों अजय देवगन ने अगली बार रिलीज कानून फिल्म में अभिनय किया। अक्षय कुमार के साथ कुकू कोहली की सुहाग फिल्म में फिर से काम किया और सुहाग मूवी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अक्षय कुमार के साथ कुकू कोहली के साथ इस फिल्म में अभिनय किया। फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी। अजय देवगन ने अजय शर्मा की भूमिका निभाई और वीपी मल्होत्रा की भूमिका निभाई थी। यहाँ पे सुहाग साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म विजय पथ फिल्म थी जो विजय पथ के लिए विजय पथ की शूटिंग जो है तारिक करण अर्जुन के साथ टकराई, जिसे अजय देवगन ने मना कर दिया था। विजय साल की ये मूवी विजय पथ साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म साबित हुआ। इसी तरह दोस्तों साल 1995 में अजय देवगन महेश भट्ट की फिल्म नचायज और फिर जो है मिलन लूथरिया द्वारा निर्देशित की गई हलचल में दिखाई दिए। काजोल ने सह अभिनय किया था। इसके बाद अजय देवगन काजोल गुंडा राज में फिर से दिखाई दिए दोनों, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनकी अगली फिल्म रिलीज हुई हकीकत। हकीकत मूवी थी जिसमें तब्बू ने सह अभिनय किया था। ये फिल्म साल की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1996 में देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती रंभा और आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया, जिसके रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। उनकी अगले रिलीज मूवी जान नामक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो ट्विंकल खन्ना के साथ। इसके बाद उन्होंने हैरी बवेजा की फिल्म दिल जल में अभिनय किया जहां उन्होंने साका नामक एक आतंकवादी का किरदार फिल्म के अंदर निभाया था। इसी तरह दोस्तों अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्म इतिहास में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज मूवी इंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इस फिल्म थी जिसमें आमिर खान, जूही चावला और काजोल थे। इस साल की फिल्म में अजय देवगन ने अजय की भूमिका निभाई जो एक अमीर लड़के को एक गरीब लड़की काजोल से प्यार करता है। फिल्म ने 30 करोड़ यानी कि यूएसए में कन्वर्ट कर 3.8 मिलियन की कमाई किया। ये फिल्म साल की 4थी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। 1998 में अजय देवगन ने महेश भट्ट के नाटक जखम फिल्म में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जो है प्रदर्शन किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। 1999 में हम दिल दे चुके सनम में अभिनय किए थे अजय देवगन ने।
दोस्तों फिल्म के अंदर अजय देवगन नवराज की भूमिका निभाई एक आदमी जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। इसके बाद अजय देवगन ने अमिताभ बच्चन और वहीं पे सोनाली बेंद्रे के साथ मेजर साहब फिल्म में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक सेना अधिकारी की भूमिका निभाई। फिल्म सफल रही और साल की 7वीं साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इसके बाद उन्होंने अनीस बजनी की दूसरी फिल्म रोमांटिक कॉमेडी प्यार तो होना ही था में काजोल के साथ अभिनय किया था। 1995 की अमेरिकी फिल्म फ्रेंच चाइनीजी की रिमेक मूवी थी। इसने 30 करोड़ से अधिक की कमाई किया जो 3.8 मिलियन की डॉलर में कमाई की। अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी महेश भट्ट की जख्म फिल्म थी। दोस्तों फिल्म की कहानी प्लॉट दंगों के दौरान मुंबई में सांप्रदायिक तनाव की जांच करता है। देवगन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो धार्मिक संघर्ष से तंग आ चुका है। देवगन ने अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 1999 में अजय देवगन ने रोमांटिक ड्रामा हम दिल दे चुके सनम फिल्म में सलमान खान के साथ अभिनय किए थे। दोस्तों फिल्म में अजय देवगन ने कैसी भूमिका निभाई थी जो अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को उसके प्रेमी सलमान खान के साथ पूर्ण मिलन में मदद करने की कोशिश करता है। हम दिल दे चुके सनम ने अजय देवगन के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। फिल्म मैत्री देवी की बंगाली उपन्यासना हान्या का रूपांतरण फिल्म था। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित की गई और सह अभिनीत की गई सलमान खान और ऐश्वर्या राय इसमें नजर आई थी। देवगन को उनके प्रदर्शन के लिए काफी सराहा गया। रेडिफ ने कहा अजय की भूमिका आपको एक और फिल्म का याद दिलाता है जिसका नाम प्यार तो होना ही रखा गया था और वहाँ वह उस लड़की के प्रेमी की तलाश कर रहे होते हैं जिसे वह चुपके से प्यार करते हैं, लेकिन गहन तीर से उसकी ताकत है और वह यहाँ यानि कि अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वह विशेष रूप से उस दृश्य में अच्छा है जहाँ वह अपनी पत्नी की जिससे यानी कि चिढ़ जाते हैं और उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। फिल्म सफल रही और देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उसके बाद वह अमिताभ बच्चन और सोनाली बेंद्रे के साथ हिंदुस्तान की कसम में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने निर्देशक मियां लुथरिया के साथ कच्चे धागे फिल्म में दिखाई दिए जिसमें सैफ अली खान और मनीषा कोइराला के साथ काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट रही थी। उसके बाद उन्होंने सफल फिल्म होगी प्यार की जीत में एक्शन रोमांटिक कॉमेडी और फिर जो है काजोल और निर्देशक जो है प्रकाश झा के साथ अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम दिल क्या कर रखा गया था। 1999 में उनकी अन्य फिल्में रिलीज हुई थी। गैर यानी कि तक्षक फिल्म भी थी जिसमें जो है उन्होंने एक मजबूत मुख्य व्यक्तित्व की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। इसके बाद दोस्तों अजय देवगन ने 2000 के दशक में दीवाने फिल्म में अभिनय किया था, यानी कि अजय देवगन ने हैरी बवेजा की दीवाने में अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उस वर्ष अजय देवगन ने अपने पहले होम प्रोडक्शन में अभिनय किया, काजोल के साथ राजू चाचा फिल्म में अभिनय किया था। 2001 में अजय देवगन ने एक और मामूली सफल फिल्म में अभिनय किया, ये रास्ते हैं प्यार के। ये माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के साथ काम किया। मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के साथ उनकी अगली रिलीज मूवी लज्जा फिल्म थी। उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था फिल्म के लिए। हालांकि फिल्म जनता के बीच लोकप्रियता नहीं थी। महेश मांजरेकर की तेरा मेरा साथ रहे फिल्म में इन्होंने फिर से अभिनय किया था। इसके बाद दोस्तों 2002 में अजय देवगन ने फिल्म कंपनी में मुंबई अंडरवर्ल्ड की राम गोपाल वर्मा की काल्पनिक जो है परीक्षा में प्रदर्शन किया। देवगन ने मलिक नाम की एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई। कंपनी और देवगन दोनों के प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। जैसा कि दानंद आदर्श ने समीक्षा किया, देवगन अपनी भूमिका को पूर्णता के लिए निभाते हैं। एक नियंत्रित प्रदर्शन अभिनेता इस जटिल और चरित्र को लेते हैं जैसा जो है मछली पानी में ले जाता है। वह अपने हिस्से को सराहनीय सहजता से रेखांकित करते हैं। देवगन को फिल्म फेयर के नामांकित किया गया था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी दिया गया। अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी डेविड धवन की कॉमेडी हम किसी से कम नहीं में अभिनय किया जिसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और ऐश्वर्या राय थे। उस वर्ष उन्होंने राजकुमार संतोषी की बायोपिक द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में अभिनय किया था। इसी तरह उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा। तरुण आदर्श ने कहा अजय देवगन ने अपनी भूमिका को जिया है और वो कहना है कि उत्कृष्ट है अपने काम में। कल्पना होगा उनका प्रदर्शन जो पुरस्कार पाने के अलावा और वहीं पे
सिनेमा प्रेमियों से प्रशंसा मिली थी अजय देवगन को और ये फिल्म 7 जून 2002 को रिलीज हुई। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे जंग फिल्म को जिसे 1996 में रिलीज किया गया जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, आदित्य पंचोली डुअल रोल में नजर आए थे। दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलता है, ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों इन सभी चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। दोस्तों ये फिल्म आपको G5 पे देखने को मिलता है लेकिन आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। जैसा कि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करें जंग फिल्म को तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, अजय देवगन और उनमें वाणी विश्वनाथन और रंभा फिल्म में अभिनय करती हुई दिखाई दी थी। इसी के साथ दोस्तों अन्य सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो सदाशिव, अमर पुरकर और तीनू आनंद और सुजीता मेहता फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो टी रामाराव सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। दोस्तों इस फिल्म के राइटर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी भी टी रामाराव सर ने ही लिखे थे। दोस्तों इस फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो राजीव कुमार एवं आदित्य पंचोली सर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इसी के साथ साथ दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो सप्तारिश फिल्म के बैनर तक इस फिल्म को बनाया गया था और दोस्तों फिल्म को जी टेलीफिल्म के बैनर तक ये मूवी पूरी दुनिया भर में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको G5 पे देखने को मिल जाएगा लेकिन आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोस्तों इस फिल्म के अधिकार G5 के पास रखा गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवीज की कहानी के बारे में बात करेंगे। लाओ दोस्तों इस फिल्म को कहाँ पे शूट किया गया था, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई की थी और इस फिल्म में सबसे पहले कौन से स्टार कास्ट को पसंद किया गया था, उसके बाद कई सारे स्टार कास्ट को ठुकराने के बाद ये फिल्म अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती के पास गई थी। इसके अलावा दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में एसीपी अर्जुन सक्सेना के रूप में ये दिखाई दी है। आदित्य पंचोली के बारे में हम बात कर ले तो इंजन ड्राइवर यानी कि सूरज के रूप में फिल्म में अभिनय किए हैं और इनका एक नकारात्मक भूमिका भी रखा गया है जो बिल्ला के रूप में ये फिल्म में डुअल रोल में दिखाई दी है। अजय देवगन के बारे में हम बात कर ले तो ये अजय बहादुर सक्सेना के रूप में फिल्म में दिखाई दिए है। रंभा के बारे में हम बात करें तो मधु के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी है। दोस्तों इन सभी ने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग किया था और मूवी 1996 की हिट फिल्म रही थी। इसी के साथ दोस्तों बतला दे जंग फिल्म साल 1996 की रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली डबल रोल में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में अजय देवगन, रंभा और सदाशिव अमर पुरकर भी दिखाई दिए थे। दोस्तों फिल्म में सहायक रूप में तीनू आनंद और सुजाता मेहता ने अभिनय किया है। दोस्तों जंग फिल्म में मिथुन और अजय देवगन भाई की भूमिका निभाते हैं वही पे, लेकिन परिस्थितियों के कारण न्याय की रक्षा के लिए पुलिस अधिकारी मिथुन को अपने भाई के साथ तलवार चलानी पड़ती है। फिल्म का तीसरा कोण आदित्य पंचोली द्वारा चित्रित की गई है जो दोहरी भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक भूमिकाओं में ये फिल्म में दिखाई दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बतला दे जंग फिल्म के लिए सबसे पहले अर्जुन सक्सेना की भूमिका के लिए पहले संजय दत्त को ऑफर की गई थी लेकिन दोस्तों बतला दे उन्होंने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। फिर निर्माता ने अनिल कपूर से संपर्क किया लेकिन उन्होंने भी अपने किरदार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने मना कर दिया फिल्म में अभिनय करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अजय सक्सेना की भूमिका पहले चंकी पांडे को ऑफर की गई थी फिर अक्षय कुमार को, लेकिन दोनों अभिनेता ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। अक्षय कुमार ने यह कहा कि एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका का फिल्म में कोई भी लेना देना नहीं है। तो निर्माताओं ने उस भूमिका को फिर निभाने के लिए अजय देवगन को कास्ट किया लेकिन अर्जुन सक्सेना की भूमिका अभी भी खाली थी। कई बार मना करने के बाद फिल्म निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को मना लिया लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्होंने खुद को वापस ले लिया फिल्म से। फिर उन्होंने सुनील शेट्टी से संपर्क किया लेकिन उन्होंने भी व्यस्त के कारण इस परियोजना को छोड़ दिया और उनकी भी यानी कि कोई भी दिलचस्पी नहीं थी फिल्म में अभिनय करने की। इस रोल के लिए मेकर्स ने मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया, उन्होंने ये कहकर इस रोल को स्वीकार कर लिया कि वो इस तरह का किरदार हमेशा निभाने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के संगीत एल्बम के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में जितने भी संगीत रखे गए हैं नदीम सरवन द्वारा रचित किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। दीवाना दीवाना मुत्थू 1995 के थिलाना थिलाना पर आधारित है। दोस्तों आपको बतला दें फिल्म में तीनों स्टार कास्ट को दिखाया गया था। इसमें रंभा फिल्म में अभिनय करते हुए बॉलीवुड की शुरुआत भी की है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों फिल्म में बतलाई गई कहानी आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपने इस फिल्म की कहानी को नहीं जाना
जानते हैं तो मैं आपको बता दूं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में आदित्य पंचोली को भागता हुआ दिखाया गया है, वो क्यों भाग रहे हैं इसका कारण मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती उनका पीछा करते हैं जो फिल्म में इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आए हैं। मिथुन चक्रवर्ती उन्हें एक ट्रेन के ऊपर पकड़ लेते हैं, उसके बाद वापस उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। आदित्य पंचोली लाख मना करते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं कुछ भी यानी कि इसके बारे में नहीं जानता। फिर भी मिथुन चक्रवर्ती उनका कोई भी बात नहीं सुनते, उन्हें जेल के अंदर डाल देते हैं और वो कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें बंद करना है। इसके बाद दोस्तों अगली कार्रवाई जो है अदालत में होती है, जहाँ पे आरोप लगाया गया है आदित्य पंचोली के ऊपर कि इन्होंने सोने की चोरी की है और अपने सारे दोस्तों को मार डाला है। दोस्तों ये एक संगीन जुर्म था जिसकी वजह से इनको फांसी की सजा दी जाती है फिल्म के अंदर। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं राम बेगुनाह होता है, जिसकी वजह से सीता को भी यानी कि उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को जेल के अंदर डाल दिया गया है और एक को फांसी दे दी गई है। इसी बीच दोस्तों राम की पत्नी गर्भवती होती है जो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद वो वहाँ से हॉस्पिटल से भाग जाती है और अजय देवगन यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के घर में नौकरानी के रूप में काम करने लगती है। जब उसे ये पता चलता है कि उसके बेटे को इंस्पेक्टर अपने घर उठा के ले गए तो उसे घर में जाके नौकरी करती है और चुपके से उसको दूध भी पिलाती है। ये सब कुछ करते हुए अजय देवगन एक दिन देख लेते हैं। देखने के बाद वो अजय देवगन की अपनी पूरी कहानी बतलाती है। इस कहानी पे अजय देवगन भरोसा कर लेते हैं और उसको वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे पति को जरूर बचाऊंगा। उसके बाद इन दोनों का रिश्ता भाई बहन का हो जाता है फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों ये दोनों भाई बहन मिलकर बहुत सारे ऐसे कारनामे करते हैं फिल्म में अपने पति को बचाने के लिए। अजय देवगन इस आग में कूद पड़ते हैं और चक्रधारी से लड़ते हैं। चक्रधारी को आपने इसमें देखा होगा जो सदाशिव इस किरदार को निभाए हैं। दोस्तों आदित्य पंचोली का डुअल किरदार है बिल्ला के रूप में। बिल्ला को पकड़ने की कई सारे साजिश रची जाती है। ऐसे में दोस्तों फांसी से कुछ दिन पहले ही बिल्ला को बदल दिया जाता है राम से। इसके बाद दोस्तों वहां पे राम से बिल्ला को बदलने के बाद बिल्ला पागल हो जाता है। वो बोलता है कि मैं रातों रात यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक फांसी से पहले चक्रधारी उसे हेलीकॉप्टर से बचा लेता है। इसके बाद दोस्तों फिल्म के अंत में बहुत ज्यादा एक्शन होते हैं। बहुत सारी एक्शन होने के बाद अजय देवगन आदित्य पंचोली और मिथुन चक्रवर्ती तीनों एक साथ होकर लड़ाई करते हैं और गुंडों के ऊपर हावी हो जाते हैं। और फिल्म के अंत में ये पता चल जाता है कि राम का डुअल रोल है जिसका नाम है बिल्ला, जिसने ये सारा कारनामा किया था, सोने को चुराया था और सारे निर्दोष लोगों को मार डाला था। उसके बाद दोस्तों अदालत इसको निर्दोष साबित कर देता है और ये लोग केस जीत लेते हैं और इसके साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। जी हां फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों ये फिल्म की कहानी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको ऐसी कहानी देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट यानी कि अजय देवगन के बारे में। दोस्तों अजय देवगन ने 1991 में जब अजय देवगन ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो उन्होंने अपना मंच नाम बदल लिया। जन्म के नाम बदल कर उन्होंने विशाल से अजय कर लिया। अब विशाल से अजय देवगन में बदल दिया क्योंकि विशाल नाम के कई अन्य अभिनेताओं को उसी समय लॉन्च किया गया था। इसमें मनोज कुमार का बेटा भी शामिल थे। उन्होंने फूल और कांटे फिल्म से अपनी पेशेवर करियर की शुरुआत की और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने मधु के साथ सह अभिनय किया। फिल्म में अपने शुरुआती दृश्य में अजय देवगन ने दो मोटरसाइकिलों के बीच संतुलन बनाते हुए एक विभाजन किया था। उनकी गलती उनकी अगली फिल्म जिगर मूवी रिलीज हुई थी 1992 में। दोस्तों अजय देवगन की पहली फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी फूल और कांटे। जिगर मूवी 1992 में रिलीज हुई थी जो करिश्मा कपूर की सह कलाकार बॉलीवुड और मार्शल आर्ट वाली फिल्म थी। ये दिवाली हफ्ता पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ से अधिक की कमाई किया। ये मूवी उस वक्त की वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। साल 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब फिल्म में अभिनय किया जो एक प्रेम त्रिकोण और बदला जैसे रोमांटिक विषयों के बारे में ये फिल्म था। ये मूवी फिल्म थी जिन्होंने अगली बार दिव्या शक्ति फिर संग्राम में अभिनय किया था जो संग्राम फिल्म में दो पिताओं के बीच दुश्मनी की कहानी को बताया गया। इसके बाद अजय देवगन ने दीपक बहरी के साथ काम किया जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया था। वहीं पे दीपक पवार के साथ जिन्होंने प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया था उस वर्ष अन्य रिलीज शक्तिमान धनवान और बेदर्दी फिल्म थी। ये सारे फिल्में पिट गई थी बॉक्स ऑफिस पे। 1994 में अजय देवगन ने हैरी बवेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया था। उन्होंने वैदिक जो है यानी कि दुर्बलता वाले व्यक्तित्व की अरुण सक्सेना की भूमिका फिल्म में निभाई। फिल्म साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म थी।
इसके बाद दोस्तों अजय देवगन ने अगली बार रिलीज कानून फिल्म में अभिनय किया। अक्षय कुमार के साथ कुकु कोहली की सुहाग फिल्म में फिर से काम किया और सुहाग मूवी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अक्षय कुमार के साथ कुकु कोहली के साथ इस फिल्म में अभिनय किया। फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी। अजय देवगन ने अजय शर्मा की भूमिका निभाई और पूर्वी मल्होत्रा की भूमिका निभाई थी। यहाँ पे सुहाग साल की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म विजय पथ फिल्म थी, जो विजय पथ के लिए विजय पथ की शूटिंग जो है तारिक करण अर्जुन के साथ टकराई, जिसे अजय देवगन ने मना कर दिया था। विजय साल की ये मूवी विजय पथ साल की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म साबित हुआ। इसी तरह दोस्तों साल 1995 में अजय देवगन महेश भट्ट की फिल्म नचायज और फिर जो है मिलन लूट रियाधारा निर्देशित की गई हलचल में दिखाई दिए। काजोल ने सह अभिनय किया था। इसके बाद अजय देवगन काजोल गुंडा राज में फिर से दिखाई दिए दोनों, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनकी अगली फिल्म रिलीज हुई हकीकत। हकीकत मूवी थी जिसमें तब्बू ने सह अभिनय किया था। ये फिल्म साल की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1996 में देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती रंभा और आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया, जिसके रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। उनकी अगली रिलीज मूवी जान नामक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जो ट्विंकल खन्ना के साथ। इसके बाद उन्होंने हैरी बवेजा की फिल्म दिल चले में अभिनय किया, जहां उन्होंने साका नामक एक आतंकवादी का किरदार फिल्म के अंदर निभाया था। इसी तरह दोस्तों अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्म इतिहास में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज मूवी इंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इस फिल्म थी, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और काजोल थे। इस साल की फिल्म में अजय देवगन ने अजय की भूमिका निभाई, जो एक अमीर लड़के को एक गरीब लड़की काजोल से प्यार करता है। फिल्म ने 30 करोड़ यानी कि यूएसए में कन्वर्ट कर 3.8 मिलियन की कमाई किया। ये फिल्म साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। 1998 में अजय देवगन ने महेश भट्ट के नाटक जखम फिल्म में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जो है प्रदर्शन किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। 1999 में हम दिल दे चुके सनम में अभिनय किए थे अजय देवगन ने। दोस्तों फिल्म के अंदर अजय देवगन नवराज की भूमिका निभाई, एक आदमी जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। इसके बाद अजय देवगन ने अमिताभ बच्चन और वहीं पे सोनाली बेंद्रे के साथ मेजर साहब फिल्म में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक सेना अधिकारी की भूमिका निभाई। फिल्म सफल रही और साल की दसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इसके बाद उन्होंने अनीस बजनी की दूसरी फिल्म रोमांटिक कॉमेडी प्यार तो होना ही था में काजोल के साथ अभिनय किया था। 1995 की अमेरिकी फिल्म फ्रेंच चाइनीजी की रिमेक मूवी थी। इसने 30 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जो 3.8 मिलियन की डॉलर में कमाई की। अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी महेश भट्ट की जखम फिल्म थी। दोस्तों फिल्म की कहानी प्लॉट दंगों के दौरान मुंबई में सांप्रदायिक तनाव की जांच करता है। देवगन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो धार्मिक संघर्ष से तंग आ चुका है। देवगन ने अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 1999 में अजय देवगन ने रोमांटिक ड्रामा हम दिल दे चुके सनम फिल्म में सलमान खान के साथ अभिनय किए थे। दोस्तों फिल्म में अजय देवगन ने ऐसी भूमिका निभाई थी जो अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को उसके प्रेमी सलमान खान के साथ पूर्ण मिलन में मदद करने की कोशिश करता है। हम दिल दे चुके सनम ने अजय देवगन के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। फिल्म मैत्री देवी की बंगाली उपन्यासना हान्या का रूपांतरण फिल्म था। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित की गई और सह अभिनीत की गई सलमान खान और ऐश्वर्या राय इसमें नजर आई थी। देवगन को उनके प्रदर्शन के लिए काफी सराहा गया। रेडिफ ने कहा, अजय की भूमिका आपको एक और फिल्म का याद दिलाता है, जिसका नाम प्यार तो होना ही रखा गया था, और वहाँ वह उस लड़की के प्रेमी की तलाश कर रहे होते हैं जिसे वह चुपके से प्यार करते हैं, लेकिन गहन तीर से उसकी ताकत है और वह यहाँ यानी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वह विशेष रूप से उस दृश्य में अच्छा है जहाँ वह अपनी पत्नी की जिससे यानी कि चिढ़ जाते हैं और उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। फिल्म सफल रही और देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उसके बाद वह अमिताभ बच्चन और सोनाली बेंद्रे के साथ हिंदुस्तान की कसम में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने निर्देशक मिलन लूथरिया के साथ कच्चे धागे फिल्म में दिखाई दिए।
जिसमें सैफ अली खान और मनीषा कोइराला के साथ काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट रही थी। उसके बाद उन्होंने सफल फिल्म होगी प्यार की जीत में एक्शन, रोमांटिक कॉमेडी और फिर जो है काजोल और निर्देशक जो है प्रकाश झा के साथ अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम दिल क्या कर रखा गया था। 1999 में उनकी अन्य फिल्में रिलीज हुई थी, गैर यानी कि तक्षक फिल्म भी थी जिसमें जो है उन्होंने एक मजबूत मुख्य व्यक्तित्व की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। इसके बाद दोस्तों अजय देवगन ने 2000 के दशक में दीवाने फिल्म में अभिनय किया था, यानी कि अजय देवगन ने हैरी बवेजा की दीवाने में अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उस वर्ष अजय देवगन ने अपने पहले होम प्रोडक्शन में अभिनय किया, काजोल के साथ राजू चाचा फिल्म में अभिनय किया था। 2001 में अजय देवगन ने एक और मामूली सफल फिल्म में अभिनय किया, ये रास्ते हैं प्यार के। ये माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के साथ काम किया। मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के साथ उनकी अगली रिलीज मूवी लज्जा फिल्म थी। उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था फिल्म के लिए। हालांकि फिल्म जनता के बीच लोकप्रियता नहीं थी। महेश मंजरेकर की तेरा मेरा साथ रहे फिल्म में इन्होंने फिर से अभिनय किया था। इसके बाद दोस्तों 2002 में अजय देवगन ने फिल्म कंपनी में मुंबई अंडरवर्ल्ड की राम गोपाल वर्मा की काल्पनिक जो है परीक्षा में प्रदर्शन किया। देवगन ने मलिक नाम की एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई। कंपनी और देवगन दोनों के प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। जैसा कि दन आदर्श ने समीक्षा किया, देवगन अपनी भूमिका को पूर्णता के लिए निभाते हैं। एक नियंत्रित प्रदर्शन अभिनेता इस जटिल और चरित्र को लेते हैं जैसा जो है मछली पानी में ले जाता है। वह अपने हिस्से को सराहनीय सहजता से रेखांकित करते हैं। देवगन को फिल्म फेयर के नामांकित किया गया था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी दिया गया। अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी डेविड धवन की कॉमेडी हम किसी से कम नहीं में अभिनय किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और ऐश्वर्या राय थे। उस वर्ष उन्होंने राजकुमार संतोषी की बायोपिक द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में अभिनय किया था। इसी तरह उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा। तरण आदर्श ने कहा, अजय देवगन ने अपनी भूमिका को जिया है और वो कहना है कि उत्कृष्ट है अपने काम में। कल्पना होगा उनका प्रदर्शन जो पुरस्कार पाने के अलावा और वहीं पे सिनेमा प्रेमियों से प्रशंसा मिली थी अजय देवगन को। और ये फिल्म 7 जून 2002 को रिलीज हुई। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे जंग फिल्म को, जिसे 1996 में रिलीज किया गया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, आदित्य पंचोली डुअल रोल में नजर आए थे। दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलता है, ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों इन सभी चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। दोस्तों ये फिल्म आपको G5 पे देखने को मिलता है, लेकिन आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। जैसा कि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करें जंग फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्यों भाग रहे हैं इसका कारण मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती उनका पीछा करते हैं, जो फिल्म में इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आए हैं। मिथुन चक्रवर्ती उन्हें एक ट्रेन के ऊपर पकड़ लेते हैं, उसके बाद वापस उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। आदित्य पंचोली लाख मना करते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं कुछ भी यानी कि इसके बारे में नहीं जानता। फिर भी मिथुन चक्रवर्ती उनका कोई भी बात नहीं सुनते, उन्हें जेल के अंदर डाल देते हैं और वो कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें बंद करना है। इसके बाद दोस्तों अगली कार्रवाई जो है अदालत में होती है, जहाँ पे आरोप लगाया गया है आदित्य पंचोली के ऊपर कि इन्होंने सोने की चोरी की है और अपने सारे दोस्तों को मार डाला है। दोस्तों ये एक संगीन जुर्म था, जिसकी वजह से इनको फांसी की सजा दी जाती है फिल्म के अंदर। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं राम बेगुनाह होता है, जिसकी वजह से सीता को भी यानी कि उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को जेल के अंदर डाल दिया गया है और एक को फांसी दे दी गई है। इसी बीच दोस्तों राम की पत्नी गर्भवती होती है, जो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद वो वहाँ से हॉस्पिटल से भाग जाती है और अजय देवगन यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के घर में नौकरानी के रूप में काम करने लगती है। जब उसे ये पता चलता है कि उसके बेटे को इंस्पेक्टर अपने घर उठा के ले गए, तो उसे घर में जाके नौकरी करती है और चुपके से उसको दूध भी पिलाती है। ये सब कुछ करते हुए अजय देवगन एक दिन देख लेते हैं। देखने के बाद वो अजय देवगन की अपनी पूरी कहानी बतलाती है। इस कहानी पे अजय देवगन भरोसा कर लेते हैं और उसको वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे पति को जरूर बचाऊंगा। उसके बाद इन दोनों का रिश्ता भाई बहन का हो जाता है फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों ये दोनों भाई बहन मिलकर बहुत सारे ऐसे कारनामे करते हैं फिल्म में अपने पति को बचाने के लिए। अजय देवगन इस आग में कूद पड़ते हैं और चक्रधारी से लड़ते हैं। चक्रधारी को आपने इसमें देखा होगा, जो सदाशिव इस किरदार को निभाए हैं।
दोस्तों आदित्य पंचोली का डुअल किरदार है बिल्ला के रूप में। बिल्ला को पकड़ने की कई सारी साजिश रची जाती है। ऐसे में दोस्तों फांसी से कुछ दिन पहले ही बिल्ला को बदल दिया जाता है राम से। इसके बाद दोस्तों वहां पे राम से बिल्ला को बदलने के बाद बिल्ला पागल हो जाता है। वो बोलता है कि मैं रातों रात यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक फांसी से पहले चक्रधारी उसे हेलीकॉप्टर से बचा लेता है। इसके बाद दोस्तों फिल्म के अंत में बहुत ज्यादा एक्शन होते हैं। बहुत सारी एक्शन होने के बाद अजय देवगन, आदित्य पंचोली और मिथुन चक्रवर्ती तीनों एक साथ होकर लड़ाई करते हैं और गुंडों के ऊपर हावी हो जाते हैं। और फिल्म के अंत में ये पता चल जाता है कि राम का डुअल रोल है जिसका नाम है बिल्ला, जिसने ये सारा कारनामा किया था, सोने को चुराया था और सारे निर्दोष लोगों को मार डाला था। उसके बाद दोस्तों अदालत इसको निर्दोष साबित कर देता है और ये लोग केस जीत लेते हैं और इसके साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। जी फैंस आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, ये फिल्म की कहानी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको ऐसी कहानी देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट यानी कि अजय देवगन के बारे में। दोस्तों अजय देवगन ने 1991 में जब अजय देवगन ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो उन्होंने अपना मंच नाम बदल लिया। जन्म के नाम बदल कर उन्होंने विशाल से अजय कर लिया। अब विशाल से अजय देवगन में बदल दिया क्योंकि विशाल नाम के कई अन्य अभिनेताओं को उसी समय लॉन्च किया गया था, जिसमें मनोज कुमार का बेटा भी शामिल थे। उन्होंने फूल और कांटे फिल्म से अपनी पेशेवर करियर की शुरुआत की और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने मधु के साथ सह अभिनय किया। फिल्म में अपने शुरुआती दृश्य में अजय देवगन ने दो मोटरसाइकिलों के बीच संतुलन बनाते हुए एक विभाजन किया था। उनकी अगली फिल्म जिगर मूवी रिलीज हुई थी 1992 में। दोस्तों अजय देवगन की पहली फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी फूल और कांटे। जिगर मूवी 1992 में रिलीज हुई थी जो करिश्मा कपूर की सह कलाकार बॉलीवुड और मार्शल आर्ट वाली फिल्म थी। ये दिवाली हफ्ता पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पे 7 करोड़ से अधिक की कमाई किया। ये मूवी उस वक्त की वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। साल 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब फिल्म में अभिनय किया जो एक प्रेम त्रिकोण और बदला जैसे रोमांटिक विषयों के बारे में ये फिल्म था। ये मूवी फिल्म थी जिन्होंने अगली बार दिव्या शक्ति फिर संग्राम में अभिनय किया था, जो संग्राम फिल्म में दो पिताओं के बीच दुश्मनी की कहानी को बतलाया गया। इसके बाद अजय देवगन ने दीपक बहरी के साथ काम किया जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया था। वहीं पे दीपक पवार के साथ जिन्होंने प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया था उस वर्ष अन्य रिलीज शक्तिमान धनवान और विदर्भ फिल्म थी। ये सारे फिल्में पिट गई थी बॉक्स ऑफिस पे। 1994 में अजय देवगन ने हैरी बवेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया था। उन्होंने वैदिक जो है यानी कि दुर्बलता वाले व्यक्तित्व की अरुण सक्सेना की भूमिका फिल्म में निभाई। फिल्म साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म थी। इसके बाद दोस्तों अजय देवगन ने अगली बार रिलीज कानून फिल्म में अभिनय किया। अक्षय कुमार के साथ कोहली की सुहाग फिल्म में फिर से काम किया और सुहाग मूवी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अक्षय कुमार के साथ कोहली के साथ इस फिल्म में अभिनय किया। फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी। अजय देवगन ने अजय शर्मा की भूमिका निभाई और वीपी मल्होत्रा की भूमिका निभाई थी। यहाँ पे सुहाग साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म विजय पद फिल्म थी जो विजय पद की शूटिंग जो है तारिक करण अर्जुन के साथ टकराई, जिसे अजय देवगन ने मना कर दिया था। विजय पथ साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म साबित हुआ। इसी तरह दोस्तों साल 1995 में अजय देवगन महेश भट्ट की फिल्म नचायज और फिर जो है मिलन लूथरी धारा निर्देशित की गई हलचल में दिखाई दिए। काजोल ने सह अभिनय किया था। इसके बाद अजय देवगन काजोल गुंडा राज में फिर से दिखाई दिए दोनों, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनकी अगली फिल्म रिलीज हुई हकीकत मूवी थी जिसमें तब्बू ने सह अभिनय किया था। ये फिल्म साल की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1996 में देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती रंभा और आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया, जिसके रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। उनकी अगली रिलीज मूवी जान नामक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो ट्विंकल खन्ना के साथ। इसके बाद उन्होंने हैरी बवेजा की फिल्म दिल चले में अभिनय किया जहां उन्होंने साका नामक एक आतंकवादी का किरदार फिल्म के अंदर निभाया था। इसी तरह दोस्तों अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्म इतिहास में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज मूवी इंद्रा कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इश्क फिल्म थी जिसमें आमिर खान, जूही चावला और काजोल थे। इस साल की फिल्म में अजय देवगन ने अजय की भूमिका निभाई जो एक अमीर लड़के को एक गरीब लड़की काजोल से प्यार करता है। फिल्म ने 30 करोड़ यानी कि यूएसए में कन्वर्ट कर 3.8 मिलियन की कमाई किया। ये फिल्म साल की 4थी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही।
1998 में अजय देवगन ने महेश भट्ट के नाटक जखम फिल्म में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जो है प्रदर्शन किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पर पुरस्कार प्राप्त किया। 1999 में हम दिल दे चुके सनम में अभिनय किए थे अजय देवगन ने। दोस्तों फिल्म के अंदर अजय देवगन नवराज की भूमिका निभाई, एक आदमी जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। इसके बाद अजय देवगन ने अमिताभ बच्चन और वहीं पे सोनाली बेंद्रे के साथ मेजर साहब फिल्म में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक सेना अधिकारी की भूमिका निभाई। फिल्म सफल रही और साल की दसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इसके बाद उन्होंने अनीश बजनी की दूसरी फिल्म रोमांटिक कॉमेडी प्यार तो होना ही था में काजोल के साथ अभिनय किया था। 1995 की अमेरिकी फिल्म फ्रेंच चाइनीजी की रिमेक मूवी थी, इसने 30 करोड़ से अधिक की कमाई किया जो 3.8 मिलियन की डॉलर में कमाई की। अजय देवगन की अगली रिलीज मूवी महेश भट्ट की जखम फिल्म थी। दोस्तों फिल्म की कहानी प्लॉट दंगों के दौरान मुंबई में सांप्रदायिक तनाव की जांच करता है। देवगन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो धार्मिक संघर्ष से तंग आ चुका है। देवगन ने अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 1999 में अजय देवगन ने रोमांटिक ड्रामा हम दिल दे चुके सनम फिल्म में सलमान खान के साथ अभिनय किए थे। दोस्तों फिल्म में अजय देवगन ने ऐसी भूमिका निभाई थी जो अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को उसके प्रेमी सलमान खान के साथ पूर्ण मिलन में मदद करने की कोशिश करता है। हम दिल दे चुके सनम ने अजय देवगन के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। फिल्म मैत्री देवी की बंगाली उपन्यासना हान्या का रूपांतरण फिल्म था। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित की गई और सह अभिनीत की गई सलमान खान और ऐश्वर्या राय इसमें नजर आई थी। देवगन को उनके प्रदर्शन के लिए काफी सराहा गया। रेडिफ ने कहा, अजय की भूमिका आपको एक और फिल्म का याद दिलाता है जिसका नाम प्यार तो होना ही रखा गया था, और वहाँ वह उस लड़की के प्रेमी की तलाश कर रहे होते हैं जिसे वह चुपके से प्यार करते हैं, लेकिन गहन तीर से उसकी ताकत है और वह यहाँ यानी कि अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वह विशेष रूप से उस दृश्य में अच्छा है जहाँ वह अपनी पत्नी की जिससे यानी कि चिढ़ जाते हैं और उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। फिल्म सफल रही और देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उसके बाद वह अमिताभ बच्चन और सोनाली बेंद्रे के साथ हिंदुस्तान की कसम में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने निर्देशक मिलन लुथरिया के साथ कच्चे धागे फिल्म में दिखाई दिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने एक बार फिर से जंग फिल्म को रिव्यू किया जिसे 1996 में रिलीज किया गया था। दोस्तों फिल्म की कहानी, मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्म कहां पे देखने को मिलेगा और फिल्म की कहानी क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हमने फिर से आपको बताया है। साथ ही साथ दोस्तों मूवी की रिव्यू काफी बेहतरीन तरीके से की है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता। दोस्तों मैं सिर्फ मूवी की रिव्यू, मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता सकता हूं। दोस्तों जंग फिल्म को 1996 में रिलीज किया गया था और ये फिल्म हिट साबित हुई थी। फिल्म में अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली डुअल रोल में और औरंबा फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। इससे पहले दोस्तों फिल्म में कई सारे स्टार कास्ट को रखा जाना था, लेकिन उन सभी ने काम नहीं किया। पहले इस फिल्म के लिए मिथुन के जगह पे अमिताभ बच्चन को कास्ट करने की योजना थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने फिल्म में अभिनय करने से मना कर दिया। अजय देवगन के रोल के लिए पहले अक्षय कुमार से बात की थी और फिर उनके बाद चंकी पांडे से बात किया था, लेकिन दोनों अभिनेताओं ने इस रोल को ठुकरा दिया। इसके बाद दोस्तों फिल्म में अजय देवगन ने अभिनय किया और फिल्म हिट साबित रही। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हमने इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।